गुड मॉर्निंग बच्चों। सो आज हम लोग अपने इकोसिस्टम का तीसरा इकोलॉजी का तीसरा चैप्टर लेकर के आए सामने हैं हम लोगों ने इसके पहले दो चैप्टर ख़त्म कर लिए। एक तो था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और दूसरा था इकोसिस्टम। और आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ओके, सो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो एक छोटा सा टर्म है कि बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली इसका मतलब क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? अगर हम लोगों से कोई पूछे व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, तो ये दो चीज दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। बायो दैट इज लिविंग वर्ल्ड और द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरा शब्द है डाइवर्सिटी दैट इज वेरिएशन। वेरिएशंस इसका मतलब है हमें वेरिएशंस देखने हैं, डिफरेंट वेरिएशंस देखने हैं अमंग द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के बीच में बहुत सारे वेरिएशन हैं। इसका मतलब उनमें होमोजेनिटी नहीं है, हेटरोजेनिटी है। तो एक्चुअली इसको डिफाइन करते वक्त हम लोग बोलते हैं इट इज़ हेटरोजेनिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में ये जो हेटरोजेनिटी पाई जाती है, हेटरोजीनस होना पाया जाता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, ये बात जो पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसी का नाम है डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब इस हेटरोजेनिटी को सही ढंग से डिफाइन किया जाए तो विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे लिए। विटेकर्स का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आपको याद हो तो फाइव किंगडम में जब हम नाम लेते हैं तो हमारा पहला किंगडम रहता है मोनेरा, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम है फंजाई, चौथा किंगडम है प्लांट और द प्लांटी, पांचवा किंगडम है एनिमेलिया और द एनिमल्स। अब ये पांचों के पांचों किंगडम एक दूसरे से एकदम अलग है, हेटरोजेनस है, कोई इनमें होमोजेनस नहीं है। तो विटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आपको एकदम बताता है कि देखिए हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग है। जैसे मैं कुछ अलग बातें बताता हूँ, मोनेरा और प्रोटिस्टा आप देख लें तो दोनों यूनिसेलुलर है। पहली डिफरेंस तो ये है कि ये दोनों यूनिसेलुलर है और ये तीनों मल्टीसेलुलर है। फंजाई, प्लांट और एनिमल ये तीनों मल्टीसेलुलर है। तो आप तो बोलेंगे सर ये तो होमोजेनिटी हो गई, मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर हैं तो होमोजेनिटी हो गई, और ये तीनों बेटा मल्टीसेलुलर हैं तो ये भी होमोजेनिटी हो गई। तो मैंने कहा वेट करिए, यस ये मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर होने के बावजूद मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक एंड प्रोटिस्टा इज यूकैरियोटिक। तो अब देखिए मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर हैं पर दोनों में से एक प्रोकैरियोटिक हो गया, दूसरा यूकैरियोटिक हो गया। इसका मतलब इन दोनों में हेटरोजेनिटी इस बात की है कि दोनों के पास एक सेल भले हो लेकिन एक प्रोकैरियोटिक सेल है, दूसरी यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, जब यही बात आप फंजाई, प्लांट और एनिमल में लगाते हैं तो ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोटिक। तो ना तो आप उनको मल्टीसेलुलर से तीनों को अलग कर पाए क्योंकि तीनों मल्टीसेलुलर हैं, ना तो यूकैरियोटिक कंडीशन से अलग कर पाए, तीनों यूकैरियोटिक हैं। फिर इनमें डिफरेंसेस क्या है? इनमें डिफरेंसेस है न्यूट्रिशन का। जैसे प्लांट जितने भी हैं दे आर ऑटोट्रॉपिक, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक है, ये अपनी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो आपने देखा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल में हम हेटरोजेनिटी ढूंढ रहे हैं कि ये हेटरोजीनस करेक्टर क्या है। तो हम देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक है मोनेरा, यूकैरियोटिक हैं बाकी सब, प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमलिया तक सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। नाउ हमने देखा फंजाई, प्लांट एंड एनिमल में हमारी बात नहीं बनी क्योंकि ये तीनों के तीनों यूकैरियोटिक हैं और तीनों के तीनों मल्टीसेलुलर हैं। तो फिर इनमें डिफरेंस कैसे पता लगाएं? इनमें डिफरेंस पता लगाने के लिए हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन निकाला
और मोड ऑफ न्यूट्रिशन निकालने पर हमें पता चला कि जो प्लांटी है, द किंगडम प्लांटी, इट इज ऑटोट्रॉपिक। अब आप फंजाई की तरफ जाएंगे तो फंजाई इज हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, और एनिमलिया भी हेटरोट्रॉपिक है। आप कहेंगे यार ये भी तो हेटरोट्रॉपिक है। अब आप देखिए, फंजाई भी हेटरोट्रॉपिक है, एनिमलिया भी हेटरोट्रॉपिक है, तो आपको फिर लगेगा एनिमलिया और फंजाई तो दोनों में सिमिलरिटी हो गई, तो मैं कहूँगा इनमें भी हेटरोजेनिटी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सेप्रोफिटिक। ज़्यादातर फंजाई जो हैं वो सेप्रोफिटिक हैं, यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे बेटा फीड करते हैं, और एनिमलिया के ज़्यादातर मेंबर दे आर होलोजोइक। होलोजोइक होने का मतलब है दे फीड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडेशन साइकिल। प्रेडेशन साइकिल में जब फीडिंग होती है तो हमें मालूम है देयर आर फाइव स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, यू नो दैट, एब्जॉर्प्शन, इसके बाद आपको मालूम है एब्जॉर्प्शन, इस तरीके से पांच स्टेप होता है। नंबर वन इज इंजेशन, नंबर टू इज डाइजेशन, नंबर थ्री इज दैट इज एब्जॉर्प्शन, नंबर फोर इज एसिमिलेशन, एंड नंबर फाइव इज इजेक्शन। मैं ये यहाँ पढ़ाने ही नहीं आया हूँ, मैं केवल ये बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब बायोडाइवर्सिटी में दो शब्द मिलते हैं, लिविंग वर्ड और वेरिएशन, तो वेरिएशन का मतलब है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब जो ऑर्गेनिज्म है आपस में एक दूसरे जैसे नहीं है। मैंने कहा विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आप देखोगे तो आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया का हर मेंबर अलग अलग दिखेगा। जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर दिखेंगे, बाकी सब मल्टीसेलुलर दिखेंगे। यूनिसेलुलर दोनों का होना होमोजेनिटी होगी, तो फिर कैसा वेरिएशन? मैंने कहा एक प्रोकैरियोटिक है, एक यूकैरियोटिक है। फिर मैंने कहा मल्टीसेलुलर जितने लोग हैं वो सब के सब यूकैरियोटिक हैं, फिर इनमें वेरिएशन क्या है? इनमें न्यूट्रिशन का वेरिएशन है, एक बंदा ऑटोट्रॉपिक है, बाकी दो हेटरोट्रॉपिक है। तो अब दोनों हेटरोट्रॉपिक एक जैसे लगने लगे, अब अगर दोनों हेटरोट्रॉपिक एक जैसे लगने लगे तो मुश्किल आएगी। इसका मतलब है इनमें से एक क्या होगा? सेप्रोफिटिक, और एक क्या होगा? होलोजोइक। बेटा लाइव क्लास चली गई, जरा बुलाओ उनको। ओके, वेट करते हैं थोड़ा सा डाटा कनेक्शन में दिक्कत है। ओके, फिलहाल आप इतना देखिए कि बायोडाइवर्सिटी, इसकी मीनिंग में क्या आ रहा है और हम इसे कैसे समझ रहे हैं। वेट अ वाइल। ओके, क्लास आ रही है? क्लास चली गई इधर से, इधर देखो ये सब डाटा चला गया। ओके, सो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा रोकना पड़ा। अभी मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, कि हम लिविंग वर्ल्ड में वेरिएशंस ढूंढ रहे हैं। वेरिएशन का मतलब है हेट्रोजेनिटी। अगर ऑर्गेनिज्म आपस में हेट्रोजीनस है, होमोजीनस नहीं है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था विटेकर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते वक्त हमने पांचों किंगडम के नाम पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमलिया। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें हेट्रोजेनिटी किन किन बातों को लेकर के है। पहले तो आपने देखा कि टाइप ऑफ सेल्स और द यू नो दैट नंबर ऑफ सेल्स, कुछ लोग हैं यूनिसेलुलर और कुछ लोग हैं मल्टीसेलुलर।
दूसरी हेट्रोजेनिटी है टाइप ऑफ सेल को लेकर के, कुछ लोग हैं प्रोकैरियोट और कुछ लोग हैं यूकैरियोट, और तीसरी हेट्रोजेनिटी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेकर के। तो आप जब कभी भी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं तो इन्हीं तीन बेसिस पर पढ़ते हैं, अगर आप भूले नहीं हैं तो। पहला तो आप लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ सेल को लेकर के कि कितनी कितने प्रकार की कितने नंबर हैं सेल, अगर एक सेल है तो यूनिसेलर, बहुत सारी सेल हैं तो मल्टी सेलर। फिर आप देखते हैं टाइप ऑफ सेल को लेकर के, टाइप्स ऑफ सेल का मतलब है कुछ लोग हैं प्रोकैरियोटिक और कुछ लोग हैं यूकैरियोटिक, और तीसरे तरीके की हेट्रोजेनिटी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेकर के। खैर, हर बार हम अगर यही हेट्रोजेनिटी ढूंढेंगे तो हम बायोडाइवर्सिटी को सही ढंग से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर हम हेट्रोजेनिटी बार बार फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाली ही ढूंढेंगे तो हम लोग इसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हेट्रोजेनिटी केवल सेल में, केवल टाइप ऑफ टाइप ऑफ सेल में, नंबर ऑफ सेल में और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नहीं है, बल्कि हेट्रोजेनिटी मॉर्फोलॉजी में भी हो सकती है, यानी दिखने में भी ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो सकते हैं। देयर में भी हेट्रोजेनिटी इन मॉर्फोलॉजी ऑल्सो, इनकी मॉर्फोलॉजी में भी हो सकती है, इनकी एम्ब्रियोलॉजी में भी हो सकती है, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी इनका डेवलपमेंट में भी बेटा हेट्रोजेनिटी हो सकती है, इवन इनकी एनाटॉमी में भी हेट्रोजेनिटी हो सकती है। तो हेट्रोजेनिटी होना ये एक बड़ा बड़ा सेंटेंस है, ऐसा नहीं कि केवल हेट्रोजेनिटी इतनी है। और इसके कुछ एग्जांपल आपकी बुक में दिए गए कि अगर आप इस पूरे वर्ल्ड में, लिविंग वर्ल्ड में आप सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है। कुछ डेटा है ये चैप्टर में, डेटा बहुत है और इनको लर्न करना भी बहुत ज़रूरी है। तो डेटा लर्न करने के तरीके अगर आपको आ गए तो आपको ये चैप्टर बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कुछ डेटा है, उन डेटा में उन्होंने बोला ऑलमोस्ट अगर आप पूरे एनिमल वर्ल्ड में जाएं तो लगभग 20,000 से ज़्यादा तो केवल एंट्स हैं। मैं एनसीईआरटी को कोट कर रहा हूँ, पहला पेज है, आप लोग अंडरलाइन करते रहिएगा। लगभग 20,000 तो एंट्स हैं, चींटियों के प्रकार हैं 20,000, और लगभग इतने ही बेटा ऑर्किड के प्लांट्स हैं। ऑर्किड हम लोगों ने ढूंढ रखा है, एंजियोस्पर्मिक बड़े बढ़िया फ्लावर होते हैं ऑर्किड्स। इसके अलावा उन्होंने बोला लगभग 3,00,000 स्पीसीज, लगभग 3,00,000 स्पीसीज तो ऐसी हैं, 3,00,000 स्पीसीज ऐसी हैं जो बीटल्स की हैं। हम देख रहे हैं बीटल्स प्रेजेंट हैं, लगभग 3,00,000 स्पीसीज। और आपको बता दूं कि देयर आर सो मैनी स्पीसीज, अबाउट 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस है देयर। मछलियां लगभग 28,000 स्पीसीज की हैं। अभी छोटे छोटे डाटा हैं चूँकि एनसीईआरटी के पेजेस में, तो ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे डाटा हैं, इसलिए एक को इसको लर्न करने की देख कोशिश कीजिएगा। 20,000 दो जगह पर आया, एक बार एंट्स और एक बार ऑर्किड। अगर आपका थोड़ा दिमाग चलता है तो अभी ऑर्किड का फ्लावर देखिए और एक पिक्चर मेमोरी बनाने की कोशिश करिए कि उसमें एंट्स हैं, तो आपको लगेगा जितनी ऑर्किड उतने एंट्स, 20,000 का डाटा आ जाएगा। लगभग बीटल्स हैं 3,00,000 स्पीसीज, मैं इसमें एक छोटा सा जुगाड़ बता दे रहा हूँ, अगर आप तीन को देखें तो ये बी की तरह दिख सकता है, दैट्स वाई बीटल्स। और 28,000 में जो 8 है इसको आप फिश की तरह क्रिएट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जुगाड़ के साथ, इस पिक्चर मेमोरी के साथ इसको लर्न किया जा सकता है। मेरे साथ लर्न करिए पहला पेज। यस, आपके पास लगभग 20,000 चींटियाँ हैं, लगभग 20,000 ही ऑर्किड के पौधे हैं, लगभग 3,00,000 स्पीसीज हैं जो हैं बीटल्स की हैं, लगभग 28,000 स्पीसीज ऐसी हैं जो कि फिशेस की हैं, आपको याद रखना है। अच्छा, फिर मैं बोलूं, इसके पहले रिवाइज करता चल रहा हूँ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारा वेरिएशन, हेट्रोजेनिटी अमंग द लिविंग वर्ल्ड। फिर हम लोगों ने बोला कि हेट्रोजेनिटी को समझने के लिए हमने किंगडम पढ़े, टोटल 5 किंगडम हमारे सामने आए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया। इनको अलग अलग हेट्रोजीनस समझने के लिए पहले लिया नंबर ऑफ सेल, कुछ लोग यूनिसेलुलर, कुछ लोग मल्टीसेलुलर, फिर लिया टाइप ऑफ सेल, कुछ प्रोकैरियोटिक, कुछ यूकैरियोटिक, और फिर लिया हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर मैंने बोला हेट्रोजेनिटी जरूरी नहीं कि हर बार केवल उन्हीं बातों पर हो, इट में बी होम मॉर्फोलॉजी, इट में बी एनाटॉमी, इट में बी एम्ब्रियोलॉजी। और इस तरीके से हमने एनिमल वर्ल्ड से कुछ डाटा उठाए, लर्न करिए, बोर्ड में कुछ नहीं आपको समझ में आएगा। बताइए एंट्स कितनी है, 20,000, ऑर्किड कितने हैं, 20,000, अगर मैं फिश बोलूँ तो कितनी है, 28,000, और बीटल्स लगभग कितने हैं, 3,00,000। तो ये कुछ लर्न करने वाली बात है। अब बायोडाइवर्सिटी चूँकि बड़ा ही डाइवर्स टॉपिक है, तो आपको मालूम है बायोडाइवर्सिटी केवल एक बात में नहीं होती। तो बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करने वाले या पॉपुलराइज करने वाले एक साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने कहा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं वेरिएशन है तो उसे हम लोग डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी कर सकते हैं। अगर मैं केवल इतना लिख दूं शायद आप इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
अगर हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें, मैं आपसे पूछूंगा मैक्रो मॉलिक्यूल्स को आपने इसके पहले कब पढ़ा, तो आपने बोलेंगे सर मैक्रो मॉलिक्यूल मैंने लार्जली चार प्रकार के पढ़े, उनमें से आपको नाम याद होगा इट इज़ पॉलीसेक्राइड्स, आप लोगों ने सुना होगा, और भी होते हैं लेकिन आपने इतना तो सुना ही होगा पॉलीसेक्राइड, लार्ज प्रोटीन्स, इसके अलावा आपने पढ़े होंगे न्यूक्लिक एसिड या फिर लिपिड्स। बोलते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स का एक एसोसिएशन होता है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म को मेम्ब्रेन कवर कर लेती है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल मिलकर के हमें क्या बना देते हैं, सेल्स। आगे की कहानी आप इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं पूछता जाऊँगा आप बताते जाएंगे। सेल आगे चल करके क्या बनाएंगी, टिश्यूज। टिश्यूज आगे चल के क्या बनाएंगे, ऑर्गन। और ऑर्गन आगे क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। आप आसानी से समझ सकते हैं, बहुत बार पढ़ा है ये, ऑर्गन सिस्टम के से क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म आगे चल के क्रिएट करते हैं पॉपुलेशन। मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप जानते हैं पॉपुलेशन आगे चल के बेटा इट विल क्रिएट द कम्युनिटी, कम्युनिटी। और कम्युनिटी आगे चल के क्रिएट करते हैं बायोम्स, जो मैंने कभी ना कभी आपको पढ़ाए थे बायोम्स। अब एडवर्ड विल्सन कहाँ आते हैं, एडवर्ड विल्सन कहते हैं कि आप बायोडाइवर्सिटी की बात केवल ऑर्गेनिज्म के लिए मत करें कि केवल ऑर्गेनिज्म ही बायोडाइवर्स है। नो, ऐसा नहीं कि इस दुनिया में देखने में या एनाटॉमी में या फिजियोलॉजी में केवल ऑर्गेनिज्म ही अलग अलग प्रकार के हैं। नो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल का एक साथ आना, इट इज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेल होना भी एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू होना भी एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन होना भी एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड सो ऑन। यानी कि हर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। चलिए मैं प्रूफ करता हूं। आप सबसे पहले देखिए मैक्रो मॉलिक्यूल क्या दुनिया में एक ही प्रकार के नहीं, देयर आर सो मेनी, चार तो मैंने लिख दिए। फिर मैंने बोला क्या सेल इस दुनिया में एक ही प्रकार की, अगर प्लांट में चले जाओ तो आपको मालूम है कितने प्रकार की सेल्स हो सकती हैं, यू नो एपिडर्मिस की सेल हो सकती हैं, यू नो इसके अंदर कॉर्टेक्स की सेल हो सकती हैं, पैरेन्काइमा हो सकती हैं। अगर तुम एनिमल के टिश्यूज में चले जाओ तो आपको मालूम है एपिथीलियम है, मस्कुलर सेल्स हैं, उनसे बनने वाले टिश्यूज भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, उनसे बनने वाले ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। कम से कम 5-7 ऑर्गन सिस्टम तो हम अपनी बॉडी में लिए घूम रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है, टाइम नहीं इतना वेस्ट करने के लिए। फिर ऑर्गेनिज्म के लेवल पर तो मैंने वेरिएशन देख ही लिया, पॉपुलेशन लेवल पर वेरिएशन देख ही लिया, कम्युनिटी लेवल पर वेरिएशन मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, और बायोमास लेवल पर दिखाने जा रहा हूँ। तो एडवर्ड विल्सन ये कहते हैं कि डाइवर्सिटी केवल ऑर्गेनिज्म में हो ऐसा जरूरी नहीं, इट अकर्स एवरीवेयर इन लिविंग वर्ल्ड। और इसीलिए एडवर्ड विल्सन लार्जली बायोडाइवर्सिटी को तीन बड़े बड़े टॉपिक्स में, तीन बड़े बड़े बातों में डिफाइन करते हैं। पहली बात वो बोलते हैं इट इज नोन एज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और जेनेटिक, सॉरी पहली जो बायोडाइवर्सिटी है वो बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए सेकेंड पेज की तरफ जब आप देखेंगे तो दूसरे पेज में आपको ये तीन बड़ी बड़ी हेडिंग्स मिलेंगी। नंबर वन इज नोन एज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, नंबर टू इज नोन एज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। देखिए मैं कहाँ तक पहुँचा, एडवर्ड विल्सन कहते हैं केवल ऑर्गेनिज्म ही डाइवर्स नहीं है, ओवरऑल डाइवर्सिटी है। और आपको मालूम है इन ओवरऑल डाइवर्सिटी को उन्होंने लार्जली तीन पार्ट में बांटा है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और तीसरा इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। और बच्चा अगर हम ये तीनों बायोडाइवर्सिटी को आसानी से समझ पाए तो हम लोग एडवर्ड विल्सन के आइडिया को सही तरीके से समझ पाएंगे। चलिए मिटाते हैं, बोर्ड को अपने ब्रेन में लेकर के चलते हैं। चलो, बायोडाइवर्सिटी मैंने बोला एक बड़ा टर्म है और इसको पॉपुलराइज किया था एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन ने कहा कि चाहे आप मैक्रो मॉलिक्यूल से बायोम तक जाएं, हर ऑर्गेनाइजेशन पे आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। और उसका एक आइडिया मैंने लगाने की कोशिश की, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। और फिर बोला गया कि जो बायोडाइवर्सिटी है लार्जली तीन क्लासेस में बांटी जा सकती है, नंबर वन इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, नंबर टू इज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, नंबर थ्री इज इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। एंड नाउ फ्रॉम हेयर वी आर एंटरिंग इन अ कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में हम लोग एंटर कर रहे हैं। सबसे पहला जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब ये क्या बला है, व्हाट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। सो हमको जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को पता करने के लिए
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले एक स्पीसीज को फिक्स करना पड़ेगा। आप कोई भी एक स्पीसीज ले लीजिए। किसी ने कहा कि सर हम लोग ह्यूमन हैं, तो हम ह्यूमन को अपनी स्टडी की स्पीसीज ले लेते हैं, तो हम कहेंगे अगर तुम ह्यूमन में पता लगाने जाओगे तो लगभग एचजीपी के द्वारा हमको मालूम है 32,000-35,000 जीन्स हैं हमारी बॉडी में। यानी ह्यूमन की बॉडी में लगभग 30,000-35,000 जीन्स हैं। अगर एक माइकोप्लाज्मा जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल मानी जाती है, माइकोप्लाज्मा में आप जीन ढूंढने की कोशिश करें तो लगभग 500 से लेकर के 700 जीन वहां पर भी मिल जाएंगे। अगर आप एक छोटे से बैक्टीरिया ई कोलाई पर कोशिश करें ढूंढने की तो यहां पर भी लगभग 3,000 जीन्स मिल जाएंगी। इसका मतलब है यहां पर जितनी भी जीन्स है, वेदर इट इज 30,000-35,000, 500-700, 3,000 जीन्स, क्या ये जीन्स सब एक जैसी हैं? नो, इनमें से कोई हैंड को बनाने के लिए है, ह्यूमन के केसेस में कोई आपको मालूम है हैंड को बनाने के लिए, कोई आपकी नोज को बनाने के लिए, कोई दूसरे करेक्टर के लिए। अगर आप ई कोलाई भूले नहीं हैं और अगर आप लैक ओपेरॉन नहीं भूले हैं तो आपको याद होगा लैक ओपेरॉन में हम लोगों ने जेड वाई ए तीन जीन पढ़ी थी। क्या तीनों जीन एक ही तरीके का काम कर रही हैं? ना, तीनों अलग अलग काम कर रही हैं, एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, एक परमीएज के लिए, एक ट्रांसस्टाइलेज के लिए। तो आपको मालूम है कि अगर हम स्पीसीज फिक्स कर लें, देखिए रट्टा मारने से अच्छा है अगर हम ये समझ लें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। किसी भी स्पीसीज को फिक्स कर लीजिए आप और उस स्पीसीज में जीन के वेरिएशन देखना चालू करिए। वेरिएशन ऑफ जीन विद इन अ स्पीसीज इट इज नोन एज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। सो वी कैन से वेरिएशंस ऑफ जीन विद इन अ स्पीसीज, एक स्पीसीज के अंदर जीन का वेरिएशन, इट इज नोन एज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। और याद रखना जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी आपकी बॉडी में तीन तरीके से जीन को और जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी लाई जा सकती है। हैं तो बहुत तरीके, लेकिन आप तीन मेजर तरीकों को पकड़ने की कोशिश करिए। हो सकता है कि एक जीन में एलील वेरिएशंस हो, अगर कहीं भी समझ में ना आए तो उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करिए। एक जीन हो लेकिन उसके एलील वेरिएशन हो, फॉर एग्जाम्पल आई जीन है जो ब्लड को ग्रुप को मेंटेन कर रही है, पर अगर मैं बोलूं इसमें से आई ए है तो वो ब्लड ग्रुप ए के लिए जाएगी, अगर आई बी है तो मैं बोलूंगा ब्लड ग्रुप ओ के लिए जाएगी, और अगर स्मॉल आई दोनों साथ आ जाएंगे क्योंकि रिसेसिव जीन है तो ब्लड ग्रुप ओ को आएगी। तो बताइए क्या हम सब होमो सेपियंस हैं? बिल्कुल है, पर क्या हम सब होमो सेपियंस के पास, सारे होमो सेपियंस के पास ब्लड ग्रुप ए है? नो, किसी के पास ए है, किसी के पास बी है, किसी के पास ए बी है, किसी के पास ओ है। इसका मतलब हम सब एक जीन के ही डिफरेंट एलील कैरी करके बैठे हैं। इसका मतलब है हमारे पास जीन सेम है लेकिन एलील वेरिएशन हो सकता है, दैट इज नोन एज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। फिर मैं पकड़ूंगा, वेरिएशन ऑफ जीन विद इन अ स्पीसीज इट इज नोन एज एलील वेरिएशन। एंड नाउ एलील वेरिएशन के अलावा टोटल जीन वेरी भी कर सकता है, टोटल जीन वेरिएशंस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरा एक जीन पूरा का पूरा जीन दू तुम्हारे किसी एक पूरे पूरे जीन से अलग हो। जैसे कि गर्ल्स और बॉयज में अगर आप डिफरेंस करना चाहो तो एक मेल है एक फीमेल है, पर मेल में टेस्टोस्टेरोन को बनाने वाला जीन होगा और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन को बनाने वाला जीन होगा, तो क्या वो दोनों जीन एक ही हैं? ना, वो दोनों एलील है बल्कि वो डिफरेंट जीन ही है और आपने दो अलग अलग वेरिएशन देख लिए, एक मेल देख लिया एक फीमेल देख लिया। तो आपको मालूम है देयर में बी एलील वेरिएशन इटसेल्फ, देयर में बी टोटल जीन वेरिएशन इटसेल्फ, और हमने म्यूटेशन पढ़ते वक्त बोला था देयर में बी चेंज और वेरिएशन इन क्रोमोजोम स्ट्रक्चर्स, वेरिएशन इन क्रोमोजोम स्ट्रक्चर ऑल्सो। किसी भी एक स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोजोम तो फिक्स है, जैसा कि हमारे पास 23 पेयर है, तुम्हारे पास 23 पेयर है, हम सबके पास 23 पेयर हैं, यानी हमारे पास सब लोग 46 क्रोमोसोम लेकर के बैठे हैं, पर क्या हर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम लोगों का सेम है? देयर मे बी वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन। आप लोगों ने फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के बारे में सुना होगा, म्यूटेशंस के बारे में सुना होगा। तो बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें जीन एक ही हो पर एलील वेरी कर सकती हैं, उसी स्पीसीज में दो अलग अलग मेंबर में जीन भी वेरी कर सकती है। आपको अरे कैसे हो सकता है सर, अगर हम होमो सेपियंस हैं तो आप भी होमो सेपियंस, हमारी जीन वेरी कैसे कर सकती है? व्हाट इज द, तो मैं बोलूंगा आपको इसका जवाब देना पड़ेगा मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है, देयर आर सम जीन और उनके एक्सप्रेशन का। फिर बोलेंगे क्या वेरिएशन इन क्रोमोसोम हो सकता है? यस,
अच्छा, इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो आपको लगेगा एनसीईआरटी में तो कुछ ऐसा दिया ही नहीं है सर। जब एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया नहीं है तो आपने इतनी सारी बातें क्यों की? तो मैं कहूंगा इन सारी बातों को एनसीईआरटी की बात से रिलेट करते हैं। उन्होंने एक प्लांट लिया और इस प्लांट का नाम है रॉयल्फिया वोमिटोरिया। रॉयल्फिया वोमिटोरिया ये एक पौधा उन्होंने लिया है, बोले रॉयल्फिया वोमिटोरिया नाम का पौधा है जिससे हम एक सब्सटेंस निकालते हैं, नाम है रेजरपाइन। बच्चा मेरे, रेजरपाइन तक कैसे पहुंचा जाए? रेजरपाइन इज अ प्रोडक्ट और हम लोगों ने बहुत पहले जेनेटिक्स में कुछ चीजें पढ़ी हैं, चलिए आज हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए रिएक्शन, रिएक्शन होने के लिए चाहिए एंजाइम। देखिए मैं पीछे लौट रहा हूं, मैं पढ़ाया हूं, एंजाइम्स आर प्रोटीन, आपको मालूम एंजाइम्स आर प्रोटीन, प्रोटीन बनता है एमआरएनए से, ओके, और एमआरएनए से बनता है, एमआरएनए बनता है डीएनए से, मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए, जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, जैसा एमआरएनए वैसी प्रोटीन, जैसी प्रोटीन वैसा एंजाइम, जैसी एंजाइम वैसी रिएक्शन, जैसी रिएक्शन वैसा प्रोडक्ट। अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वेरी कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने क्या किया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की पोटेंसी वेरी कर रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट का टाइप वेरी कर रहा है, इसका मतलब रिएक्शन वेरी कर रही है, एंजाइम वेरी कर रही, प्रोटीन वेरी कर रही, एमआरएनए वेरी कर रहा, डीएनए वेरी कर रहा। सो यू गॉट माई पॉइंट कि डीएनए में क्या पूरा डीएनए वेरी कर रहा है ना, डीएनए में प्रेजेंट एक जीन वेरी कर जाए, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, एक जीन वेरी कर दो, एंजाइम वेरी कर जाएगा, रिएक्शन वेरी कर जाएगी, प्रोडक्ट वेरी कर जाएगा। और उन्होंने क्या सिखाया है तुम्हें कि रॉयल्फिया वोमिटोरिया से हम एक प्रोडक्ट निकालते हैं रेजरपाइन, और ये रेजरपाइन प्रोडक्ट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन और पोटेंसी में वेरी कर रहा है। तो बताइए कितना बड़ा कॉन्सेप्ट जो आपसे छुपाया लगा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और पोटेंसी वेरी कर रहा है और उसको रिलेट किससे करना है हमें, जीन से। क्यों वेरी कर रहा है, क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम है उस रॉयल्फिया वोमिटोरिया के अलग अलग पौधों में अलग अलग, रॉयल्फिया वोमिटोरिया स्पीसीज इज सेम, हर बार रॉयल्फिया वोमिटोरिया ही स्पीसीज है, लेकिन हर पौधे से निकलने वाला, देयर आर सो मेनी प्लांट्स, हर पौधे से निकलने वाला रेजरपाइन ना कंसंट्रेशन में सेम है ना पोटेंसी में सेम है, क्योंकि हर पौधे की अपनी जीन अलग है। यू गॉट माय पॉइंट, इसका मतलब हर पौधे की अगर अपनी जीन अलग है तो उससे बनने वाले रेजरपाइन का कंसंट्रेशन भी अलग होगा और पोटेंसी भी अलग होगी। देखिए मैंने पहले बोला था आपसे, यू फर्स्ट फिक्स द स्पीसीज, देन यू कैन गो फॉर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, अदरवाइज नॉट। अगर आपने स्पीसीज फिक्स नहीं की तो आप ऐसे डोलते रहेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने बोला स्पीसीज फिक्स करो, स्पीसीज इज वोमिटोरिया, रॉयल्फिया वोमिटोरिया। पर क्या रॉयल्फिया वोमिटोरिया का हर प्लांट एक जैसा है? नहीं। किस बात में एक जैसा नहीं है? रेजरपाइन प्रोड्यूस करने में, उसका कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करने में। मैं आपको एक और बात बोलता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मौसम है मैंगो का, इस समय पर आप बाजार में जाइए मैंगो मिलेगा। अब मैंगो जो है इसको हम लोगों ने बोला मैंगी फेरा इंडिका, जैसे मैंने बोला कि मैंगी फेरा इंडिका है, आपने बोला सर ठीक है ये साइंटिफिक नेम है, आपने बोटेनिकल नेम बता दिया मैंगी फेरा इंडिका है। पर मैं आपको तीन चार प्रकार के आम रख दूं, एक देसी आम रख दूं, यू नो दैट, एक दशहरी आम रख दूं, इसके अलावा मैं एक आपको सफेदा आम रख दूं, और मैं पूछूं बताइए क्या इन मैंगो की स्पीसीज अलग है? आप बोलेंगे नो, दे आर द सेम स्पीसीज, मैंगी फेरा इंडिका। पर क्या इस मैंगी फेरा इंडिका जो मैंगो है, इस मैंगी फेरा इंडिका का, सारे मैंगी फेरा इंडिका का स्वाद एक जैसा है? नहीं। क्यों स्वाद एक जैसा नहीं है? क्योंकि इनके अंदर जो प्रोडक्ट हैं वो अलग हैं, और प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करते हैं? जीन पर, जैसा जीन वैसा प्रोडक्ट। तो बुक बोलती है मैंगो की खाली 1000 वेराइटीज, मैंने स्पीसीज नहीं बोला, वेराइटीज इंडिया में पाई जाती है, स्पीसीज इज सेम, दैट इज इंडिका, लेकिन वैरायटीज आर अबाउट 1000 वैरायटीज। अब बोलते हैं कि सर इंडिया में चावल के बारे में बात करिए, चलिए राइस, हमने बोला ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा का मतलब हमने स्पीसीज फिक्स कर दी। बोलते हैं ओराइजा सटाइवा की खुद की, ओराइजा सटाइवा नाम की स्पीसीज की खुद की 50,000 स्ट्रेन है। अब आपसे मैं पूछूं, आपने 10 तरीके का चावल, अगर गांव के लोग हैं तो 10 तरीके का चावल सुना होगा आपने, बासमती चावल सुना होगा आपने, देसी चावल, रामभोग, राजभोग, ये सब सुना होगा। ये एक्चुअली क्या है? ये स्पीसीज अलग नहीं है, ये सब की सब सेम स्पीसीज हैं, लेकिन इनका स्ट्रेन अलग है, इनकी वेराइटीज अलग है। तो वेन, एक रूल लिख लीजिए, वेन द स्पीसीज इज सेम
एंड वैरायटी इज डिफरेंट, इट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए, हम सब क्या है? होमो सेपियंस है, वी ऑल आर होमो सेपियंस। पर क्या नीग्रोस जो अफ्रीका में रहते हैं क्या उनकी स्पीसीज अलग है? सेम है। क्या वाइट जो अमेरिका और इंग्लैंड में रहते हैं क्या उनकी स्पीसीज अलग है? सेम है। आप चले जाइए मंगोलियन, चाइनीज और मंगोल में रहने वाले लोग, जापानीज लोग, क्या इनकी स्पीसीज अलग है? सेम है। एंड वी इंडियंस, हम लोगों की स्पीसीज क्या सेम है कि अलग है? सेम है, वी ऑल आर ऑफ सेम स्पीसीज। लेकिन हम सब के अपने अपने क्या है? वेरिएशन। वेरिएशन किस में? जीन में। इसी वजह से हम लोग रेसेस में आ गए, कोई कॉकेशियन है, कोई नीग्रो है, कोई इंडियन है, कोई एशियाटिक है। और इस तरीके से आपने पहली चीज़ जो सीखी, जो सबसे माइन्यूट लेवल की चीज़ सीखी कि स्पीसीज़ फिक्स कर दो और उस स्पीसीज़ में वेरिएशन ढूंढो, डिफरेंट प्रकार का ह्यूमन ढूंढो, या डिफरेंट प्रकार का चावल ढूंढो, या डिफरेंट प्रकार का मैंगो ढूंढो। इट इज़ अ वेरिएशन इन जीन विद इन स्पीसीज। अगर आप एनसीईआरटी से जाएंगे तो ये बातें हैं, अगर एनसीईआरटी से नहीं गए, टेक्निकली गए, तो मैंने आपको क्या बताया था? देर आर थ्री काइंड ऑफ वेरिएशन इन जीन। यस, नंबर वन इज एलील वेरिएशन, नंबर टू इज वेरिएशन इन टोटल जीन, नंबर थ्री इज वेरिएशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर भी वेरी कर सकते हैं। अब चूंकि स्पीसीज सेम है तो नंबर वेरी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हम सब अगर होमो सेपियंस हैं तो हम सब के पास नंबर सेम होगा, केवल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का वेरी कर सकता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट डायवर्सिटी विल्सन के द्वारा समझाई गई, दैट वॉज द स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। नाउ अगेन दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने एंट्री कर रहा हूं, दिस सेकेंड कॉन्सेप्ट इज नोन एज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। छोटे छोटे कंफ्यूजन्स हैं, अगर इन कंफ्यूजन को नहीं समझा तो आप फिर मुश्किल में आओगे। इसके पहले मैंने क्या किया था? स्पीसीज फिक्स की थी और स्पीसीज के अंदर जीन, अलग अलग जीन ढूंढ रहे थे। अब की बार मैं स्पीसीज में वेरिएशन ढूंढ रहा हूं विद इन अ हैबिटेट और विद इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। किसी एक इकोसिस्टम में, किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में कितने डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज पाई जा सकती हैं, इट इज नोन एज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। सिंपल डेफिनेशन, इट इज अ वेरिएशन इन स्पीसीज, वेरिएशंस इन टाइप्स ऑफ स्पीसीज विद इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में आप कितने प्रकार की अलग अलग स्पीसीज देख सकते हैं, दैट इज नोन एज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, एनसीईआरटी में इसमें बहुत डिटेल में नहीं गए, लेकिन मैं आपसे कहता हूं क्योंकि इसी चैप्टर में आपको इन दोनों ही बातों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं समझाना अपना काम समझता हूं। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी को दो तरीके से सिखाया जा सकता है। नंबर वन इज नोन एज स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी को देखने के लिए जो पहला तरीका है, इट इज नोन एज स्पीसीज रिचनेस। ओके, और जो दूसरा तरीका है, इट इज नोन एज स्पीसीज इक्विटेबिलिटी। इक्विटेबिलिटी, और इट इज ऑल्सो नोन एज स्पीसीज इवननेस। अब ये मत सोचिएगा कि मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा हूँ, ये भी एनसीईआरटी की बातें हैं, बस पुरानी एनसीईआरटी है। ये जो एनसीईआरटी चल रही है, ठीक, इनके पहले कुछ एनसीईआरटी 2007 के पहले हमारे पास चलती थी एचआरडी मिनिस्ट्री की, उस वाली एनसीईआरटी से ये टॉपिक है, यानी इट इज ऑल्सो फ्रॉम द एनसीईआरटी। प्लीज इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इक्विटेबिलिटी से स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी को समझाने की कोशिश करते हैं। पहले बात तो ये समझ लो, जो अभी की एनसीईआरटी में लिखा है उतना इतना पढ़ लिया तो काफ़ी है, तो जो हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, अगर बहुत जोर देने पे समझ में ना आए तो आप घबराए नहीं, एक बार इसे रिवाइज करिए। इट इज़ अ वेरिएशन इन टाइप्स ऑफ स्पीसीज विद इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। ओके, अब मैं आपके सामने एक ज्योग्राफिकल एरिया, तीन अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया का सीन क्रिएट करता हूँ। ये रहा ज्योग्राफिकल एरिया नंबर वन, सेम एरिया उतने ही मीटर स्क्वायर का। मान लीजिए अगर ये मैंने एक किलोमीटर स्क्वायर का एरिया देखा तो ये भी एक किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, लेकिन दूसरी जगह, ये एरिया नंबर टू, एंड दिस इज द थर्ड एरिया, दैट इज एरिया नंबर थ्री, ये तीसरा एरिया हो गया। अब इन तीनों ज्योग्राफिकल एरिया में, यानी हमने क्या फिक्स किया अब की बार? ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स किया। पहले क्या फिक्स किया था? स्पीसीज और उसमें जीन ढूंढ रहे थे। अब की बार मैंने ज्योग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स कर लिया, अब इसमें स्पीसीज ढूंढने जा रहे हैं।
अब जब हम स्पीसीज पहले एरिया में ढूंढने गए, समझिएगा ध्यान से, और यहाँ पर हम ढूंढने गए और हमें मिली बर्ड्स, ढूंढने क्या गए, हमें केवल बर्ड्स मिली, और बर्ड्स मिली तीन प्रकार की, थ्री टाइप्स। मैंने पहले बोला नंबर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ स्पीसीज की। आपको यहां पर मिला एक पैरट, चलिए पैरट एक टाइप है, गुड, एक पैरट। चार क्रोज मिले, चार कौवे मिले आपको, चार क्रोज मिले और एक पीकॉक मिला। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, ये चारों की चारों बर्ड स्पीसीज ही हैं। तो आपको टोटल छह प्राणी मिले, तो छह इज नॉट बायोडाइवर्सिटी, बताया छह, इट इज थ्री इज बायोडाइवर्सिटी। क्यों? छह प्राणी होने के बावजूद यहां पर टाइप कितना है, तीन, तीन प्रकार के पक्षी हैं, पैरट, क्रो, पीकॉक। पैरट, क्रो, पीकॉक में एक पैरट मिला उस ज्योग्राफिकल एरिया में, एक पीकॉक मिला और चार कौवे मिले, चार क्रोस मिले। तो आप यहां पर टोटल छह प्राणी देख रहे हैं, लेकिन छह प्राणियों में टाइप कितना मिला, तीन। ओके, अब सैंपल नंबर टू एरिया पे गए। इस सैंपल नंबर टू एरिया में आपको दो पैरट मिले, ओके, दो क्रोस मिले, दो कौवे मिले आपको, और आपको दो ही पीकॉक मिले। घनी समस्या आ गई, बड़ी समस्या आ गई, क्या? यहां पर भी छह प्राणी मिले और तीन टाइप मिले, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्पीसीज, यहां पर भी तीन टाइप ऑफ स्पीसीज हैं। अब आप रिचनेस के हिसाब से देखेंगे, पहला टर्म है रिचनेस, तो सैंपल एरिया नंबर वन में भी तीन स्पीसीज की रिचनेस है, सैंपल एरिया नंबर टू में भी तीन स्पीसीज की रिचनेस है। बट बेटा, अब एक जनरल ऑब्जर्वर की तरह देखने की कोशिश करिए, चूंकि आप बायोलॉजिस्ट नहीं है, एक जनरल ऑब्जर्वर हैं और आप इस जंगल में घुसते हैं, इस जंगल में घुसते हैं, तो घुसते ही हो सकता है एक पैरट कहीं छुपा हो तुम्हें दिखाई ना पड़े, हो सकता है एक पीकॉक कहीं छुपा हो तुम्हें दिखाई ना पड़े। तो अगर पक्षी, जिस पक्षी के ज्यादा दिखने की चांसेस है वो कौन है, क्रो, तो हो सकता है कि आपको उस जंगल की डाइवर्सिटी में क्रो ज्यादा दिखाई पड़े, क्योंकि इनमें इवननेस नहीं है, इक्विटेबिलिटी नहीं है, ये एक है, ये चार है, ये एक है, पर यहां देखिए इवननेस है, दो पैरट, दो क्रो, दो पीकॉक, तो जितने तोते दिखने की काकर छुपा होगा, एक तोता तो एक एक पैरट तुम्हें दिख सकता है, एक क्रो दिख सकता है, एक पीकॉक दिख सकता है, यानी यहां पर तीनों स्पीसीज के दिखने के चांसेस ज्यादा हैं, एंड दैट इज माय डियर इज नोन एज इवननेस। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर भी तीन टाइप, यहां पर भी तीन टाइप, और तीनों टाइप की रिचनेस इज सेम, लेकिन इवननेस इज डिफरेंट, इन दोनों में इवननेस डिफरेंस है। इसलिए मैं जो टाइप, जो तुम्हारा ज्योग्राफिकल एरिया टू होगा, उस ज्योग्राफिकल एरिया को ज्यादा डाइवर्सिटी वाला एरिया मानूंगा। अजीब बात है, अजीब बात है, यहां पर भी तीन प्रकार की स्पीसीज, यहां पर भी तीन प्रकार की स्पीसीज, लेकिन एरिया नंबर टू इज मोर बायोडाइवर्स। क्यों? क्योंकि यहां पर इवननेस है। तो भाइयों एवं बहनों, मैं ज्यादा आपको समझाने के बजाय मैं इतना बता रहा हूं कि इन दो शब्दों को समझिए, वन इज स्पीसीज रिचनेस, अनदर इज नोन एज स्पीसीज इवननेस, और ये दोनों कंट्रीब्यूट करती हैं इन स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। एक तो टाइप ऑफ स्पीसीज भी ज्यादा चाहिए, और दूसरा याद रखना, दूसरा टाइप ऑफ स्पीसीज के साथ साथ हमें उनकी इवननेस, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी लगभग एक जैसा चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ तो बायोडाइवर्सिटी जिसमें ज्यादा होगी, किसमें ज्यादा होगी, सेकंड में। अब मैं थर्ड केस आपके सामने ओपन कर रहा हूं, प्लीज सी दिस। अब तीसरे ज्योग्राफिकल एरिया में एंट्री करते हैं, यहां आपको दो पैरट मिलते हैं, आपको यहां पर दो एंट्स की स्पीसीज मिलती है, चींटियों की स्पीसीज मिलती है, और दो मैमल मिलते हैं, दो मैमल मिलते हैं, और दोनों मैमल एक ही स्पीसीज के मिलते हैं, लेट सपोज इट इज एलिफेंट, दो आपको हाथी मिल जाते हैं। अब घनी समस्या फिर से आई, अब इस समस्या में आपने देखा कि यहां पर भी तीन टाइप ही हैं। हेयर इज थ्री टाइप ऑफ स्पीसीज, हेयर इज थ्री टाइप ऑफ स्पीसीज, हेयर इज थ्री टाइप ऑफ स्पीसीज माय डियर, बट हेयर इज बर्ड्स ओनली, हेयर इज बर्ड्स ओनली, यहां पर भी बर्ड्स हैं, लेकिन यहां पर बर्ड्स, यहां पर बर्ड्स, लेकिन यहां पर डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप, बर्ड भी हैं, एंट्स भी हैं, एंड मैमल्स भी हैं। इसका मतलब है यहां पर स्पीसीज तीन है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप की है।
अब मैं सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाला अगर कोई एरिया पाऊंगा, इट इज थर्ड वाला। यू गॉट माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि यहां पर स्पीसीज रिचनेस शब्द आएगा। अब देखिए, कहीं पर हावी हो रहा था इवेननेस और कहीं पर हावी हो गया रिचनेस। रिचनेस का मतलब नॉट ओनली इन द टाइप, ऑल्सो इन द टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप। एक ही टाइप के यानी टैक्सोनॉमिक ग्रुप की तीन टाइप की स्पीसीज हैं। यहां तीन टाइप के टैक्सोनॉमिक ग्रुप की तीन टाइप की स्पीसीज हैं। इसका मतलब है रिचनेस केवल एक बात में नहीं होती, रिचनेस दो तीन तरीके की होती है। इनमें से दो रिचनेस तो आप देख ही रहे, एक आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ स्पीसीज, टाइप्स ऑफ स्पीसीज, लेकिन टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज सेम, टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज सेम, जैसे कि बर्ड की तीन स्पीसीज। और यहां पर भी आप टाइप्स ऑफ स्पीसीज ही देख रहे हैं। देखिएगा, जब रिचनेस आप देखते हैं तो यहां पर भी टाइप्स ऑफ स्पीसीज ही देख रहे हैं, लेकिन डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप में देख रहे हैं, डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप। और देखिए कितना अंतर आया। तो अगर मैं ये तीन सैंपल एरिया आपके सामने रखूं, तीन सैंपल एरिया आपके सामने रखूं, 1 2 3, तो आप बताइए इनमें डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। सबसे कम स्पीसीज बायोडायवर्सिटी किस में होगी? एरिया नंबर 1। उससे ज्यादा स्पीसीज बायोडायवर्सिटी किस में होगी? एरिया नंबर 2। और उससे भी ज्यादा स्पीसीज बायोडायवर्सिटी कितनी होगी? एरिया नंबर 3। पर देखिए, हर जगह पर केवल तीन टाइप की स्पीसीज है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट कोई बाहर से नहीं है, एनसीईआरटी से ही है। तो हो ना हो एनटीए के क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कहीं भी थोड़ा सा क्वेश्चन इधर से उधर आया और पूछा गया पुरानी एनसीईआरटी से, तो आपसे गड़बड़ हो ना हो जाए। अभी भी मैं कह रहा हूं, आप केवल इतना बता दीजिएगा कि स्पीसीज बायोडायवर्सिटी में आप पढ़ क्या रहे हैं। ज्योग्राफिकल एरिया को फिक्स कर रहे हैं, जगह को फिक्स कर रहे हैं, उसमें स्पीसीज का डिफरेंट देख रहे हैं। और डिफरेंट देखने के दो तरीके हैं, वन इज स्पीसीज रिचनेस, अनदर इज नोन एज स्पीसीज इवेननेस। अच्छा, अब एनसीईआरटी में क्या दिया है? एनसीईआरटी में ये सब नहीं दिया। आपकी एनसीईआरटी जो अभी अभी आपके सामने है, उसमें आपको बताया गया है कि आप भारत का जो वेस्टर्न घाट देखेंगे, वेस्टर्न घाट ये वाला एरिया है केरला कर्नाटका तमिलनाडु, सॉरी केरला कर्नाटका वाला, सॉरी इट इज केरला, ये वाला एरिया केरला है, कर्नाटका और महाराष्ट्र का एरिया है ये वाला एरिया जो वेस्टर्न घाट है, इसको हम लोग बोलते हैं अरेबियन सी के आसपास का। तो जो वेस्टर्न घाट एरिया है, यहां पर आप एम्फीबियन मतलब टैक्सोनॉमिक ग्रुप सेम, टैक्सोनॉमिक ग्रुप सेम हो गया। अब एम्फीबियन का इवेननेस देखेंगे, इवेननेस का मतलब टैक्सोनॉमिक ग्रुप सेम है लेकिन उनकी इवेननेस बहुत ज्यादा है। वेस्टर्न घाट इज रिचर देन ईस्टर्न घाट, बे ऑफ बंगाल वाले ईस्टर्न घाट से ज्यादा ज्यादा वेरिएबल है इफ वी टॉक अबाउट द एम्फीबियन। ये एनसीईआरटी की लाइन है। देखिए, एक छोटी सी एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ाने के लिए मैंने आपको कितनी कहानियां पढ़ा डाली। यू गॉट माई पॉइंट? तो भाई, दूसरे तरीके की स्पीसीज बायोडायवर्सिटी आपके सामने है। तो सॉरी, पहला तो डायवर्सिटी थी आपके सामने थी, वो थी दैट वॉज द जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। हेयर इज स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, मैं इसे रिवाइज कर रहा हूँ और मिटा भी रहा हूँ। स्पीसीज बायोडायवर्सिटी इट इज अ वेरिएशन इन टाइप्स ऑफ स्पीसीज विद इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। इसको दो तरीके से डिफाइन करने में आसानी होगी। नंबर 1 इज नोन एज स्पीसीज रिचनेस, नंबर 2 इज नोन एज स्पीसीज इवेननेस। कई बार रिचनेस एक जैसी दिखेगी तब इवेननेस काम आएगी। जितना ज्यादा इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा डायवर्सिटी उतना ज्यादा होगा। तीन सैंपल एरिया का एग्जाम्पल जो मैंने पुरानी एनसीईआरटी से उठाया है वो आपके सामने रख दिया। इसके बाद हम लोगों ने आपको पढ़ाया जो इस समय की एनसीईआरटी में है, कि अगर हम एम्फीबियन का टाइप और स्पीसीज रिचनेस वेस्टर्न घाट में देखने जाएं और ईस्टर्न घाट से उसे रिलेट करें, तो हमें पता लगेगा वेस्टर्न घाट इज मोर रिचर मोर डाइवर्स देन ईस्टर्न घाट। सो दिस वाज द स्पीसीज बायोडायवर्सिटी। नाउ माय डियर स्टूडेंट, द थर्ड टाइप ऑफ डायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी इज इट इज नोन एज इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी, एक मिनट रुक करके सोचो, अपने आप समझ में आ जाएगा। स्पीसीज फिक्स की, जीन्स वेरी कर दी, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। जगह फिक्स की, ज्योग्राफिकल एयर फिक्स किया, एरिया फिक्स किया, स्पीसीज को वेरी, जो पहले फिक्स था उसको वेरी कर दिया। अब हम इकोसिस्टम को वेरी करेंगे विद इन अ लार्जर लैंडस्केप। सो व्हाट इज इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी? इट इज अ वेरिएशंस
इन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम विद इन अ लार्जर एरिया, किसी लार्जर एरिया में या किसी लैंडस्केप में अगर हम टाइप ऑफ इकोसिस्टम को देखें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम को देखें, दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगेन एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल नहीं है, फिर अगेन मैं बोलूँगा, मैं इसमें जाऊँगा डिटेल में पुरानी एनसीईआरटी को लेकर के। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करने के लिए देयर आर थ्री टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी यू हैव टू नो। वन इज नोन एज अल्फा बायोडाइवर्सिटी, अल्फा बायोडाइवर्सिटी, got my point, alpha biodiversity। दूसरे तरीके की बायोडाइवर्सिटी इट इज नोन एज बीटा बायोडाइवर्सिटी, और तीसरे तरीके की बेटा जो बायोडाइवर्सिटी इट इज नोन एज गामा बायोडाइवर्सिटी। अब ये पता नहीं क्या बला है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपके चाइल्डहुड टाइम की एक छोटी सी है ना एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ, आप भी बनाइए मेरे साथ, आपको शायद उससे कुछ समझ में आ जाए। चलिए, हम लोग अक्सर कुछ इस तरीके की ड्राइंग बनाते थे, पहले तो हम देखते थे कि यहाँ पर खूब सारे पहाड़ जैसे, ओके, कहीं से सूरज निकलता था, ओके, एक नदी बना दी हमने, ओके, एक हमारे लिए घर हो गया। लेट सपोज मैं केवल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और नथिंग एल्स, यहाँ पर हमने एक ट्री बना दिया, चलो साथ में हमने कहीं दूर पर एक तालाब बना दिया, लीजिए पॉन्ड हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आगे नहीं चल सकते, ये पॉन्ड हो गया, ये रिवर हो गई, ये ट्री हो गया, ये माउंटेन्स हो गए। अब ध्यान से समझिएगा, पॉन्ड में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, जितने भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, ये पॉन्ड नाम का एक अलग इकोसिस्टम हुआ। सिर्फ डेफिनेशन ही चला गया, वेरिएशन इन इकोसिस्टम। आपने देखा पॉन्ड नाम का इकोसिस्टम एक अलग इकोसिस्टम है, वहीं नदी का अपना इकोसिस्टम अलग है, इसके प्राणी, इसका बायोटिक कंपोनेंट अलग है, बहता हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है। वहीं माउंटेन में आपके बेटा अपनी बायोडाइवर्सिटी अलग है, और माउंटेन में पाए जाने वाला इकोसिस्टम अलग है, और वहीं ट्री पर पाया जाने वाला इकोसिस्टम भी अलग है। तो मैं बोलूंगा माउंटेन में अलग एक इकोसिस्टम, ये एक अलग इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड का अलग एक इकोसिस्टम, ये अलग इकोसिस्टम हो गया, रिवर का अलग एक इकोसिस्टम, और बेटा ट्री का अलग एक इकोसिस्टम। आपने देखा एक लार्जर एरिया में सारे इकोसिस्टम एक जैसे कि अलग 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 है, सो इट इज अ वेरिएशन इन इकोसिस्टम विद इन अ लार्जर एरिया। अब होता क्या है, किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम का वेरिएशन इट इज नोन एज अल्फा बायोडाइवर्सिटी। अल्फा बायोडाइवर्सिटी इज स्पीसीज रिचनेस, जो अभी अभी पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, और स्पीसीज इवननेस Within an ecosystem, किसी भी एक इस ecosystem के अंदर species richness होना वो कहलाता है alpha। इसका मतलब pond का अपना alpha है, sorry, pond का अपना alpha है, mountain का अपना alpha है। alpha का मतलब species richness और species evenness in a within ecosystem, क्योंकि दोनों के दोनों ecosystem अलग है। ट्री का अपना एक अल्फा है, लाइकवाइज रिवर का अपना एक अल्फा है, सबके अल्फा सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है, इसका मतलब इन सब की अपनी एक बायोडाइवर्सिटी है जो कि अल्फा कहलाएगी। नाउ ऐसा तो नहीं है कि ये एकदम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड नहीं है, क्यों क्यों, क्योंकि हो सकता है यहां से निकलने वाला एक एम्फीबिया, एम्फीबियन पॉन्ड में रहने वाला एक मेढक हो सकता है नदी तक चला जाए, या नदी में रहने वाला कोई एक नदी पे खाने वाला एक जो कोई पक्षी है उड़ के ट्री पे चला जाए, या ट्री पे रहने वाला कोई पक्षी उड़ते हुए बेटा यू नो माउंटेन तक चला जाए। इसका मतलब इनमें रहने वाली स्पीसीज ऐसा नहीं है कि यहां आइसोलेटेड है, नो,
यहाँ पर रहते हुए दूसरे इकोसिस्टम में उनका रेट ऑफ रिप्लेसमेंट होता रहता है, चेंजेस होता रहता है, यानी एक स्पीसीज यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कहीं भी आ जा सकती है, एंड दैट रेट ऑफ रिप्लेसमेंट इज नोन एज बीटा डाइवर्सिटी। अब आप सोच के देखिए, अगर दुनिया में हर जगह तालाब होते तो बीटा होता ही नहीं, क्योंकि एक तालाब से दूसरे तालाब में जाना इट इज सेम इकोसिस्टम में जाना, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। अगर एक तालाब से नदी में जाना है डिफरेंट इकोसिस्टम में जाना, नदी से माउंटेन में जाना है तीसरे इकोसिस्टम में जाना, माउंटेन से ट्री में जाना ये चौथे इकोसिस्टम में जाना, इसका मतलब जितने प्रकार की अल्फा होगी उतने प्रकार के बीटा होने के चांसेस हैं। तो याद रखना, बीटा इज द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज बिटवीन डिफरेंट इकोसिस्टम। और आपको एक चीज बता दूं कि ये रेट ऑफ रिप्लेसमेंट जो होगा ये ग्रेडियंट पर डिपेंड करेगा। एक बड़ा अजीब सा सवाल आता है, सर अब काहे का ग्रेडियंट, सर मैंने सुनो पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ लिया, सर मैंने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पढ़ लिया, अब ये कौन सा ग्रेडियंट आप बताने की कोशिश कर रहे हैं? दिस इज ग्रेडियंट इज नोन एज इकोसिस्टम ग्रेडियंट। पानी का और दूसरे पानी के इकोसिस्टम में ग्रेडियंट ज्यादा नहीं है, यानी ये भी एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये भी एक्वाटिक इकोसिस्टम, इसका मतलब इनके बीच में अगर बीटा है तो बहुत लार्जर बहुत रिचर बीटा नहीं होगा। भैया स्नेल यहां से यहां पहुंच गया, यानी दोनों एक ही तरीके के लोग हैं, स्नेल यहां से यहां पहुंच गया, लेकिन एक बर्ड जो यहां की फिश को खा रही थी और वो यहां से बेटा माउंटेन पहुंच गई, तो आप समझ लेना माउंटेन एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और वहीं पर पॉन्ड एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है। इनका इनके बीच में जो डिफरेंस इन इकोलॉजी है, डिफरेंट इन बायोटिक एबायोटिक फैक्टर, दैट इज नोन एज ग्रेडियंट। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा विद इन इकोसिस्टम उतना ज्यादा बीटा बायोडाइवर्सिटी होगी। यू गॉट माई पॉइंट? और इन सारी अल्फा और बीटा, बीटा क्या होगा? एक्सचेंजमेंट। आपके पास डायग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं है, एक्सचेंजमेंट इट इज बीटा, यहां के बीच में बीटा, इट इज बीटा, अगेन इट इज बीटा। तो एक्सचेंजमेंट, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज बिटवीन डिफरेंट इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट, इट इज नोन एज बीटा। सारी अल्फा सारी बीटा को मिलाकर किसी भी लैंड में जितना जो कुछ भी है, सारी अल्फा और सारी बीटा को मिलाकर के आप पढ़िए, दैट इज नोन एज गामा। तो देखिए एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। अगर अल्फा ज्यादा, अल्फा डिफरेंट टाइप की तो बीटा भी ज्यादा, और अगर अल्फा डिफरेंट टाइप की तो बीटा ज्यादा, और बीटा और अल्फा ज्यादा तो इनका कॉम्बिनेशन गामा भी ज्यादा। अब बोलोगे कि सर ये अल्फा बीटा गामा ये तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो फिर एनसीईआरटी में क्या दिया? एनसीईआरटी में दिया है छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि आप इंडिया में जाइए, चलते हैं इंडिया में, और बोले इंडिया में आप डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम के बारे में सोचने की कोशिश करें। डायग्राम बना नहीं सकता इसलिए सोचता हूं मैं, क्या इंडिया में डेजर्ट है? बिल्कुल है, थार का मरुस्थल राजस्थान में, थार का मरुस्थल डेजर्ट है, डेजर्ट है, यानी डेजर्ट की अपनी अल्फा है। क्या इंडिया में ग्रासलैंड है? बिल्कुल है, ग्रासलैंड, बहुत सारे ग्रासलैंड है, ऐसे कोई लार्जर ग्रासलैंड नहीं है लेकिन है, ग्रासलैंड है, अल्फा हो गई। क्या इंडिया में वेटलैंड है? बिल्कुल वेटलैंड है, आप केरला में चले जाइए, केरला में आपको वेटलैंड मिलेंगे, इनके भी अल्फा हैं। सर क्या वहां पर यू नो दैट एस्चुरीज हैं? आप चले जाइए सुंदरबन, सुंदरबन चले जाइए, एस्चुरीज मिल जाएगी, वहां की अपनी अल्फा है। क्या सर हमारे पास, क्या हमारे पास टैगा टुंड्रा जैसी यानी बर्फ में पाई जाने वाली अल्पाइन वेजिटेशन है? बिल्कुल है, अल्पाइन वेजिटेशन जैसी भी वेजिटेशन है, अल्फा है। क्या सर हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है? चले जाइए केरला कर्नाटका तमिलनाडु, आपको मालूम होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे, इसका मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अपनी अल्फा है। और सारी अल्फा एक जैसी है कि अलग अलग है? अलग अलग है, इसका मतलब हमारा इंडिया महान है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, वेटलैंड है, एस्चुरीज है, अल्पाइन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और अगर डिफरेंट टाइप की अल्फा है तो इनमें एक्सचेंज भी चल रहा होगा, तो बताइए इनकी बीटा भी खूब अच्छी होंगी, और अगर बीटा खूब अच्छी होंगी तो अल्फा बीटा को मिलाकर इनका गामा भी अच्छा होगा। इसका मतलब इंडिया इज रिचर, बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी।
और आपकी एनसीईआरटी इंडिया को नॉर्वे के साथ कंपेयर कर रही है कि भाई नॉर्वे नाम का एक कंट्री है उसे कंपेयर करिए, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन एक जगह का नाम है, वहाँ की कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है नॉर्वे, और नॉर्वे में बर आइस डिपॉजिट रहती है ज़्यादातर जगह पर, तो बताइए वहाँ के अल्फा वेरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे है? नहीं कर रहे है। तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा अल्फा उतनी ज़्यादा बीटा उतनी ज़्यादा गामा, इसका मतलब अल्फा भी अल्फा सपोर्ट करती है बीटा को और अल्फा बीटा दोनों मिलाकर सपोर्ट करते हैं गामा को, इसका मतलब हम रिचर हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में भी। देखिए एक छोटे से टॉपिक को मैं कितना लंबा खींच के ले गया, चाहता तो एनसीईआरटी में जो लिखा है वो रट्टा मार देता, चलिए रट्टा मार लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी भी ज़रूरी है। चलो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में तीन बातें लिखी हैं, पहली बात रॉयल्फिया वोमिटोरिया, उससे निकलने वाला रेजर पाइन, उसका कंसंट्रेशन और पोटेंसी हर जगह सेम की अलग 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 अलग, ये एक जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे अगर केवल इतना रट्टा मारेंगे, हाउ इट बी कि ये कैसे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट अल्टीमेटली एंजाइम और एंजाइम अल्टीमेटली जीन पर डिपेंड करता है। 50,000 स्ट्रेन केवल राइस की हैं, 1,000 स्ट्रेन का लगभग आपके पास मैंगो है, तो ये होगी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, निकल गए। दूसरी तरीके की बायोडाइवर्सिटी में उन्होंने बोला स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, बोला एक जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, और कुछ नहीं बताया, केवल बताया वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, जबकि आपको क्या बातें याद रखनी है, दो, एक कौन सी स्पीसीज रिचनेस, दूसरी स्पीसीज इवननेस, और तीसरा उन्होंने बोला इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, और उन्होंने बोला कि इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में एक बड़ी लार्जर एरिया में टाइप ऑफ इकोसिस्टम डिफरेंट है, और उन्होंने इंडिया और नॉर्वे को कंपेयर कर दिया। लेकिन आपको यहीं तक नहीं रहना, आपको लिखना है तीन प्रकार की इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, बोलिए, नंबर वन अल्फा, नंबर टू बीटा, नंबर थ्री गामा, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जितना रिचनेस और इवननेस है दैट इज अल्फा, उनके बीच में एक्सचेंजमेंट जो है दैट इज नोन एज बीटा, और अल्फा और बीटा को मिलाकर क्या बोलेंगे गामा। थैंक यू वेरी मच, ये रही आपका टोटल आइडिया, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप रिवाइज करिए। साइंटिस्ट का नाम था और द सोशियो बायोलॉजिस्ट और एक जो भी साइंटिस्ट था उसका नाम था एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने कहा वेरिएशन केवल ऑर्गेनिज्म लेवल पे नहीं होते, वेरिएशन तो हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर है, और आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं जानते तो आप घबरा जाएंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक बार मेरे लिए बोलिए, स्टार्ट फ्रॉम मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, और कम्युनिटी से बायोम। सो आप मैक्रोमॉलिक्यूल से शुरू करो और बायोम तक पहुंच जाओ, हर जगह आपको केवल वेरिएशन मिलने। अगर तुमसे कोई कहे कि मैक्रोमॉलिक्यूल लेवल का वेरिएशन बताओ क्या होगा, तो एडवर्ड विल्सन ने उसका नाम दिया है जीनेटिक वेरिएशन, क्योंकि जीन एक डीएनए है, डीएनए एक मैक्रोमॉलिक्यूल है। और कोई पूछे सर बायोम लेवल का वेरिएशन क्या होगा, तो आप बोलोगे इकोलॉजिकल वेरिएशन और द इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। सो यू स्टार्ट फ्रॉम द मैक्रोमॉलिक्यूल, रीच अप टू द बायोम, यू फाउंड थ्री टाइप, मेनली थ्री टाइप, देयर आर सो मेनी बट मेनली थ्री टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नंबर वन यस जेनेटिक, नंबर टू स्पीसीज, नंबर थ्री ओके, सो नंबर थ्री इज इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। नाउ एक छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी, हाउ मैनी स्पीसीज देयर आर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया, तो वो हाउ मैनी स्पीसीज का क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं कि कितनी स्पीसीज इस दुनिया में है, हाउ मैनी स्पीसीज, और ये दो चीजें ये कंपेयर कर रहे हैं इन अर्थ, अर्थ में कितनी है वर्सेस इंडिया। मैंने अपने टॉपिक को ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, हम अर्थ में कितनी स्पीसीज पहले पता लगाएंगे, फिर इंडिया में भी पता लगाएंगे कि इंडिया में कितनी स्पीसीज है। सो हाउ मैनी स्पीसीज प्रेजेंट इन अर्थ एंड हाउ मैनी स्पीसीज प्रेजेंट इन इंडिया, इसका क्या डाटा है और इस पर क्या क्या बातें हैं, मैं आपको फिर रिवाइज बताता चलूँ। यहाँ पर बहुत सारे डाटा आएंगे, तो जो बच्चा जितने अच्छे जुगाड़ से डाटा लर्न कर पाएगा वो उतना हीरो है इस चैप्टर के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था बीटल और तीन एक जैसे दिखते हैं, 3,00,000 बीटल, 28,000 मछलियाँ, मछलियों को बनाने के लिए मैंने आपको 8 जैसा स्ट्रक्चर बनाया, आगे 2 लगा दिया 28,000, फिर मैंने बोला था 20,000 चींटियाँ, 20,000 ऑर्किड। तो अभी मैं कुछ डाटा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले आपको IUCN इसका फुल फॉर्म जानना है, क्योंकि बुक में पूछा जाएगा, इट इज नोन एज इंटरनेशनल, आई का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन
बस इंटरनेशनल यूनियन फॉर या ऑफ के चक्कर में मत रहिएगा, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। IUCN, अब IUCN क्या कहता है कि जितनी भी इस दुनिया में स्पीसीज हैं उनको पहले काउंट करता है, उनका कंजर्वेशन का तरीका ढूंढता है। तो IUCN का 2004 का डाटा है, 2004 में उन्होंने एक डाटा निकाला जो कि अब बढ़ भी गया होगा, 2004 से आज 16 साल हो गए, अभी ये डाटा बढ़ गया होगा। लेकिन IUCN के अनुसार से आज तक की डिस्कवर्ड स्पीसीज, माइंड इट इज डिस्कवर्ड स्पीसीज है, टोटल स्पीसीज की बात नहीं कर पाएगा IUCN, क्यों, जो हमने ढूंढी नहीं वो हमको मालूम नहीं, वो हम लिख भी नहीं पाएंगे। तो उनका मानना है कि जो डिस्कवर्ड स्पीसीज हैं दे आर लिटिल मोर देन 1.5 मिलियन, लिटिल मोर देन 1.5 मिलियन। अगर मैं 1.5 मिलियन लिखता हूँ आपको मिलियन शब्द बड़ा लगता है, तो इसे 15 लाख सोचिए, लगभग 15 लाख स्पीसीज डिस्कवर्ड है। लिटिल मोर देन में अगर आप चैप्टर नंबर 1 जाएं, दैट वाज द लिविंग वर्ल्ड, तो वहां पर इसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया था, इट इज अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। ये डिस्कवर्ड स्पीसीज हैं जो हमने अब तक ढूंढी है, यानी लगभग 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं जो डिस्कवर्ड है। अभी ये भी डाटा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि 2004 में हमें लगता था कि 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, दैट हैज बीन डिस्कवर्ड। ये डिस्कवर्ड स्पीसीज हैं, लेकिन हाउ मैनी स्पीसीज आर येट टू डिस्कवर्ड वो हमें नहीं मालूम, कितनी स्पीसीज और डिस्कवर्ड करनी बाकी हैं ये हमें आज तक नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम और कितनी स्पीसीज अभी इंडिया में या धरती में या कहीं पर भी प्रेजेंट है। पर IUCN एक आपको डाटा देता है जो उन्होंने कैलकुलेट किया, और ये डाटा 2004 का है कि उन्होंने बोला 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं जो कि लगभग डिस्कवर्ड है। फिर इस डिस्कवरी का उन्होंने एक पैटर्न देखा, मैं कहूंगा छोटा रफ आइडिया लीजिएगा, और ये डायग्राम में बार बार कम से कम तीन चार बार तो मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो इस डाटा को बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको एब्जॉर्व करने की कोशिश करिए। ओके, पहली बात तो ये कि अर्थ में जो बीचों बीच एक लाइन जाती है, इमेजिनरी लाइन है, इसका नाम है इक्वेटर। ये जो इक्वेटर है इसको हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, ये हम लोग पहले भी पढ़ रखा है, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड के बाद आप एंगल बनाते जाएंगे तो आपको 90 डिग्री पर पहुँचते यहाँ 90 डिग्री पर नॉर्थ है, इधर जाने पर 90 डिग्री पर साउथ है, तो नॉर्थ एंड साउथ दो पोल मिलेंगे। ओके, अब इन दो पोल्स के बीच में हर 0 डिग्री पर आप आगे जब बढ़ोगे तो 90 डिग्री तक पहुंचोगे, नॉर्थ भी 90 डिग्री लैटिट्यूड पर है और साउथ भी 90 डिग्री लैटिट्यूड पर है। अब होता क्या है, जैसे 0 डिग्री से 20 डिग्री आप पहुंचे, दोनों तरफ 0 से 20 डिग्री, यानी 0 से 20 डिग्री नॉर्थ या फिर 0 से 20 डिग्री साउथ, ये जो एरिया आपका एरिया कहलाएगा ट्रॉपिकल एरिया, ध्यान से समझिएगा, इट इज़ नोन एज ट्रॉपिकल एरिया, और ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, इट इज़ अ रफ आइडिया। तो पहले अपने आप को रफ आइडिया के लिए तैयार रखो, 0 से 20 ऊपर जाओ, ऊपर का मतलब नॉर्थ की तरफ जाओ या साउथ की तरफ जाओ, इट इज़ ट्रॉपिकल। अब 20 से 40, यानी और 20 बढ़ जाओ, 20 से 40 जाओ, इधर भी 20 से 40 जाओ और 20 डिग्री लैटिट्यूड में बढ़ो, तो अब आपको जो एरिया मिलेगा दैट इज़ नोन एज सब ट्रॉपिकल एरिया, ये भी आप याद रखिएगा, सब ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया है। मैं रफली 20 बढ़ा रहा हूं, ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं बार बार बोल दे रहा हूं एग्जैक्ट नहीं है, वरना लड़ना मत मुझसे। 40 से जैसे 20 डिग्री और बढ़ाओ, आप 60 डिग्री तक गए, 40 से 60 डिग्री तक गए, ये टेम्परेट एरिया है, इस एरिया को हम लोग टेम्परेट बोलते हैं, टेम्परेट साइंटिस्ट बोलते हैं। 60 डिग्री, 60 से ऑलमोस्ट 80, 20 और चले जाइए, 80-85 तक चले जाइए, इट इज़ सब पोलर, पोलर के नीचे वाला एरिया, पोल के नीचे वाला, सब पोलर, सब पोलर 80 तक चले गए। अब ये जो 10 डिग्री बचा, दिस इज नोन एज पोलर एरिया। चलिए आप मेरे साथ बिना देखे बताने की कोशिश करिए, सबसे पहले तो 0 डिग्री इट इज इक्वेटर, 20 डिग्री दोनों तरफ ऊपर नीचे इट इज ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट, सब पोलर
एंड लास्ट इज पोलर। याद रखना ज्यादातर जो स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ है, जो मैं एरिया आपके सामने सेडेड कर रहा हूं आपको वो एरिया मालूम होना चाहिए, इट इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ज्यादातर दुनिया की स्पीसीज इस एरिया में रिजाइड करती हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। ऐसा नहीं कि टेम्परेट में है नहीं, टेम्परेट में भी है, लेकिन ज्यादातर स्पीसीज यहां पर प्रेजेंट है, इसलिए ज्यादातर नई स्पीसीज मिलने के चांसेस भी ट्रॉपिकल एरिया में ही है। और याद रखना ट्रॉपिकल एरिया की इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब होता है इन्वेंशन से लिखी गई, इन्वेंशन क्या होता है डिस्कवरी, इन्वेंटरीज, इन्वेंट्रीज इनकम्प्लीट है। ये शब्द बहुत याद रखने की बात है भाई, क्योंकि हम अगर इसे नहीं समझ पाए तो हम बहुत ज्यादा परेशान होंगे एनसीईआरटी में। यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया की इन्वेंट्रीज इनकम्प्लीट होने का मतलब यह है कि इस एरिया में ढूंढी गई स्पीसीज पूरी नहीं है, जितनी ढूंढी गई है उनसे ज्यादा अभी ढूंढी जानी बाकी है, इसका मतलब ये इनकम्प्लीट है। इसका मतलब अगर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में स्पीसीज मिलने की संभावनाएं देखें तो कम है कि ज्यादा, ज्यादा नई स्पीसीज मिलने की संभावनाएं यहां ज्यादा है ट्रॉपिकल एरिया में। क्यों? क्योंकि यहां की इन्वेंट्रीज अभी कंप्लीट नहीं है। और अगर टेम्परेट रीजन पे जाओ तो इनकी जो इन्वेंट्रीज आ दीज आर मोर कंप्लीटेड, यानी इन्वेंट्रीज इनकी कंप्लीटेड है। कंप्लीटेड का मतलब क्या हुआ, यहां पर जितने प्रकार की स्पीसीज थी ऑलमोस्ट उतने प्रकार की ढूंढी जा चुकी। अगर मैं बोलूं यहां पर 100 प्रकार की स्पीसीज थी तो लगभग 98 प्रकार की स्पीसीज, 97 प्रकार की ढूंढी जा चुकी, तो इसका मतलब इनकी इन्वेंट्रीज कंप्लीट है। यानी नई स्पीसीज मिलने के चांसेस कहां कम है टेम्परेट में, कहां ज्यादा है ट्रॉपिकल में। अब क्या करते हैं वैज्ञानिक, एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप उठाते हैं, मान लीजिए वो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है इंसेक्ट, एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप उठाया और मान लीजिए उस टैक्सोनॉमिक ग्रुप का नाम है इंसेक्ट। अब उस इंसेक्ट की इन्वेंट्री वो टेम्परेट में देखते हैं, माइंडेड इधर देखिए सब लोग, टेम्परेट में, टेम्परेट में देखा और उसी इंसेक्ट को उन्होंने ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक में देखा, और मान लीजिए यहां पर यूनिट एरिया 10 इंसेक्ट है जो ढूंढे गए, और यहां पर जो पर यूनिट एरिया इंसेक्ट ढूंढे गए वो है 100। इसका मतलब टेम्परेट और ट्रॉपिक में लगभग 10 गुने का अंतर है। कितने का? 10 गुने का। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में यहां पर 10 इंसेक्ट थे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में यहां पर 100 इंसेक्ट थे। इसका मतलब एक रफ आइडिया, नॉट क्लियर कट, रफ आइडिया लगा सकते हैं। क्या रफ आइडिया लगा सकते हैं? कि टेम्परेट से लगभग 10 गुना ज्यादा कौन डाइवर्सिटीफाई है, इट इज ट्रॉपिक। एक रफ आइडिया हो गया। और अब बताओ टेम्परेट की इन्वेंट्री कंप्लीट है और ट्रॉपिक की इनकम्प्लीट है, तो इनकी कंप्लीट इन्वेंट्री काउंट करिए, मान लीजिए टोटल जितनी स्पीसीज हैं उनका लगभग 10 गुना स्पीसीज अभी यहां पर मिल सकती है। व्हाट माय पॉइंट? तो होता क्या है, साइंटिस्ट टेम्परेट एंड ट्रॉपिक, ट्रॉपिकल, इनकी मैचिंग कराते हैं। और ये मैचिंग, मैंने ऐसा नहीं कहा आपने मैचिंग करा लिया, आपने जितना सोचा उतना, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैचिंग करा के एक रफ आइडिया लेते हैं और इस रफ आइडिया के अनुसार कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब है कुछ साइंटिस्ट हैं जो मानते हैं कि इस अर्थ में लगभग 20 से लेकर के 50 मिलियन स्पीसीज हैं टोटल, डिस्कवर्ड एंड अनडिस्कवर्ड अगर दोनों मिला लिया जाए तो 20 से लेकर 50 मिलियन स्पीसीज इस पूरी अर्थ में होनी चाहिए। और वो कैसे रफ आइडिया आया, एवं ही नहीं आया, वो रफ आइडिया उन्होंने टेम्परेट और ट्रॉपिक की इन्वेंट्रीज को मैच करके लगाया। और वाई दे मैच द टेम्परेट एंड ट्रॉपिक ओनली, बिकॉज टेम्परेट की जो इन्वेंट्रीज हैं दीज आर मोर कंप्लीटेड एंड ट्रॉपिक की इन्वेंट्री कंप्लीटेड नहीं है, तो ट्रॉपिक में नई स्पीसीज मिलने के चांसेस हैं। पर जो मिला नहीं उसको लिखें कैसे, इसलिए हमने एक रफ आइडिया लिया कि मान लीजिए एक कोई टैक्सोनॉमिक ग्रुप, दूसरा मान लीजिए इंसेक्ट एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, इनका अगर हम देखें लगभग 10 गुने का अंतर आ रहा है, तो बाकी स्पीसीज में भी लगभग यही रफ आइडिया लेकर टेम्परेट और ट्रॉपिक का एक काउंट निकालते हैं, और वो काउंट लगभग 20 से 50 मिलियन स्पीसीज का जाता है। एंड इट इज टोटल, नॉट येट टू डिस्कवर्ड, इट इज टोटल, यानी इसमें डिस्कवर्ड भी आ जाती हैं और नॉट येट टू डिस्कवर्ड भी आ जाती हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट मे, इनका नाम याद रखिएगा, वो इस बात को नहीं मानते कि 20 से 50 मिलियन तो नहीं है,
रॉबर्ट में कहते हैं इतनी बड़ी बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो हमने कैलकुलेशन बोले हैं वो कैलकुलेशन ऐसे हैं, तो ये इतना 20 से 50 तो नहीं है, लेकिन रॉबर्ट में के अपने कुछ कैलकुलेशंस हैं, और इन कैलकुलेशंस को मैं आगे चल के स्पीसीज एरिया ग्राफ में भी पढ़ाऊंगा। स्पीसीज एरिया ग्राफ आपकी इस चैप्टर में है, तब मैं पढ़ाऊंगा। तो रॉबर्ट मे का और यू नो दैट वॉन हम्बोल्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका और बहुत सारे लोगों का मिलकर के एक कैलकुलेशन आया है, जिसमें रॉबर्ट मे का मानना है कि लगभग 7 मिलियन स्पीसीज हैं अर्थ में, लगभग 7 मिलियन स्पीसीज हैं अर्थ में, जिनमें से लगभग हमने 1.7 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड कर ली है, जो अभी IUCN का डाटा था, 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज डिस्कवर कर ली है। इसका मतलब है रॉबर्ट मे कहते हैं लगभग हमने 20-22% स्पीसीज डिस्कवर कर ली है। इसका मतलब हमें लगभग 80% स्पीसीज येट टू डिस्कवर्ड है, जो अभी डिस्कवर करना बाकी है। फिर से सुनिए, ऐसा कोई डाटा आपके दिमाग से जाना नहीं चाहिए। मैंने पहले बोला था इस टॉपिक को शुरू करने के पहले कि डाटा खत्म आपके दिमाग से गया तो ये चैप्टर गया आपसे। फिर से देखो, मैंने इस टॉपिक को कैसे शुरू किया। पहले बात हुआ IUCN से। बोलो IUCN का फुल फॉर्म याद है? यस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ईयर था 2004 में उन्होंने एक डाटा दिया। उस डाटा के अनुसार लिटिल मोर देन 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। दीज आर नॉट टोटल स्पीसीज, बट दीज आर द डिस्कवर्ड स्पीसीज, जो ये डिस्कवर की गई थी 2004 तक। पर क्या डिस्कवर्ड स्पीसीज ही टोटल स्पीसीज हैं अर्थ की? नहीं। क्या अभी और भी डिस्कवर करनी बाकी हैं? यस। तो जो डिस्कवर करनी बाकी हैं उनका हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं? जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुई है उनका आइडिया कैसे लगाया जा सकता है? तो उन्होंने आपको कुछ इन्वेंट्रीज बताया और अर्थ को हम लोगों ने कई पार्ट में बांटा। चलिए बीच वाली लाइन इक्वेटर से चलते हुए हमने 20-20 डिग्री का रफ आइडिया लेते हुए चले तो हमें पहले 20 डिग्री में मिला ट्रॉपिक, फिर मिला सब ट्रॉपिक, फिर टेम्परेट, फिर सब पोलर और फिर पोलर। फिर बताए गए टेम्परेट और ट्रॉपिक में मैचिंग कराई गई किसी पर्टिकुलर टॉक्सोनॉमिक ग्रुप की। आपकी एनसीईआरटी बोलती है इंसेक्ट की मैचिंग कराई गई। आप एनसीईआरटी साइडिंग से पढ़िए, इंसेक्ट को लेकर उन्होंने टेम्परेट और ट्रॉपिक को मैच कराया। और एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि लगभग 20 से 50 मिलियन स्पीसीज अभी टोटल हो सकती हैं, लेकिन साइंटिस्ट रॉबर्ट मे कहते हैं 20 से 50 नहीं, लगभग 7 मिलियन स्पीसीज हैं टोटल जो अर्थ में अभी रह रही हैं, चाहे वो डिस्कवर्ड और अनडिस्कवर्ड दोनों को मिलाकर बोलते हैं। उन 7 मिलियन में से 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं जो डिस्कवर हो गई हैं। इसका मतलब जो हमारे पास डिस्कवर्ड स्पीसीज हैं वो टोटल स्पीसीज का लगभग कितना है? 20 से 22% स्पीसीज हैं जो डिस्कवर्ड है। तो ये एक रफ आइडिया आया अर्थ का। अभी इंडिया की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हम, अर्थ का। तो चलो अर्थ में जो नहीं डिस्कवर्ड हुआ है उसके बारे में क्या बात करें? हो गया इतना बात, बहुत है। जो डिस्कवर्ड है उसको फिर से डिफाइन करते हैं। तो लगभग 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पीसीज के अपने खुद डाटा हैं, इनके भी अपने खुद डाटा हैं, और इन डाटा को लर्न करना है। याद रखना 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो डिस्कवर्ड है बेटा, इन डिस्कवर्ड स्पीसीज का ऑलमोस्ट 70% स्पीसीज एनिमल्स की है। यानी जितनी स्पीसीज आज तक डिस्कवर्ड की गई हैं उनमें से लगभग 70% स्पीसीज जो हैं वो एनिमल की है। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका एक डाटा निकालना चाहो तो अब 18 लाख का 70% निकाल लीजिए, या 17 लाख का 70% निकाल दीजिए, तो आपको वो डाटा मिल जाएगा। तो आप समझ जाएंगे लगभग 70% स्पीसीज एनिमल की। अब हम उन डाटा पे जा रहे हैं जो हमारी एनसीईआरटी हमें देती है। यानी कि अगर मैं 1.7 को और 1.8 मिलियन स्पीसीज को 100% मानूं, यानी ये 100% है नहीं लेकिन ये 100% डिस्कवर्ड मानू, इन्हीं को 100% डिस्कवर्ड मानू, तो इन 100% का 70% स्पीसीज एनिमल्स। ओके, नाउ लगभग 22% स्पीसीज जो हैं वो हायर प्लांट्स और प्लांट्स हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने प्लांट्स में किसको किसको इंक्लूड किया है। वैसे प्लांट किंगडम में क्या क्या आना चाहिए? यस सर, प्लांट किंगडम में आना चाहिए एल्गी, ब्रायोफाइटा,
अभी देखिएगा मैं इसमें कुछ मिटाऊंगा इसलिए इसे फाइनल मत समझिएगा, मैं जो लिखने जा रहा हूँ मैं उसमें मिटाऊंगा, फाइनल मत समझिएगा। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ओके, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये प्लांट की वेराइटीज़ हैं और द प्लांट के टाइप्स हैं जो हम मानते हैं विटेकर के बाद। लेकिन आपकी बुक ने बड़ी आसानी से इसमें फंजाई को भी प्लांट मान लिया, तो हम लोग फंजाई को भी प्लांट मान के चल रहे हैं जब हम स्पीसीज कैलकुलेट करें, नॉट फॉर विटेकर्स क्लासिफिकेशन, पहले बता दे रहा हूँ। और इस स्पीसीज कैलकुलेशन में उन्होंने टेरिडोफाइटा को गायब कर दिया, तो मैंने एक इंक्लूड किया है और एक वहाँ से हटा दिया है। तो जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक को देखेंगे तो लगभग 70% स्पीसीज आप एनिमल की पाएंगे, लगभग 22% स्पीसीज आप पाएंगे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। तो 70 और 22 आपने अगर जोड़ दिया तो इट इज 92% का कुछ आंकड़ा आएगा, 92% स्पीसीज का आंकड़ा आपके पास आएगा। तो बाकी 8% स्पीसीज इन्होंने जो छुपाई हैं वो कहाँ गई सर? उनमें तो कुछ टेरिडोफाइटा के मेंबर भी गए और बाकी मेंबर भी गए। सो हम इन 8% के पीछे नहीं जाते क्योंकि जो डाटा हमारी एनसीईआरटी ने हमें दिया नहीं उस पर हम ज्यादा बहस करने वाले ने। चलो फिलिट 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज में से हमारी अगर 100% हम उन्हें डिस्कवर्ड मान लें तो उन 100% डिस्कवर्ड में लगभग 70% एनिमल हैं, लगभग 22% स्पीसीज जो हैं वो क्या है, दीज आर यू नो प्लांट्स। और प्लांट में भी उन्होंने क्या जोड़ा और क्या हटाया, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो नहीं है, आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। तो बहुत ध्यान दें टेरिडो ना लिखें और बहुत ध्यान दें कि फंजाई इंक्लूड करें। अब आगे चैप्टर जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना मुश्किल होता जाएगा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आगे चल के आप चैप्टर में जब भी स्पीसीज रखेंगे, जब भी स्पीसीज पढ़ेंगे तो ये तरीका अपनाएंगे। बताता हूँ पहला तरीका। पहला तरीका तो ये है कि आप प्लांट को एज इट इज अलग लिख लेंगे, प्लांट को आप अपने तरफ अलग लिख लेंगे, और दूसरा एनिमल को आप अलग लिख लेंगे। गुड, याद रखना प्लांट आपने अलग लिख लिया, एनिमल अलग लिख लिया, ये ब्रेन में लिखने की बात कर रहा हूं मैं, नोटबुक में लिखने की बात नहीं कर रहा हूं। और प्लांट में आप 5 की जगह 6 लेकर के चलेंगे, यस मैं अब 6 के 6 इंक्लूड कर रहा हूं, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, यहां पर मैं इंक्लूड टेरिडो भी कर रहा हूं लेकिन उन्होंने 22% में नहीं किया, जिम्नो और एनजीओ। और मेरे बच्चे जब वो हायर प्लांट की बात करें तो आप वेस्कुलर प्लांट को काउंट कर लीजिएगा, दैट इज टेरिडो टू एनजीओ। अगर कभी कोई आ जाए हायर प्लांट तब आप इसमें एल्गी, फंजाई, ब्रायो को मत कंक्लूड करिएगा, दीज आर हायर प्लांट। अगर कहीं पर कोई बोले हायर प्लांट आप अचानक वेस्कुलर प्लांट की तरफ जाओ, वेस्कुलर बंडल कहां से शुरू हुए, टेरिडोफाइटा से। इसके बाद जब वो एनिमल का डाटा दें तो आप इसको दो डाटा में कब डील कर लीजिएगा बिना कहे, एक तो इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती, और दूसरे आप पार कर लीजिएगा वर्टिब्रेट्स। कॉर्डेटा के मेंबर में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक सब बड़ी सी सुपर क्लास आती है और बड़ा सा क्लास आता है, दैट इज नोन एज वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट लिखते वक्त बच्चा 5 बातें आप अपने सामने लिख लीजिएगा, अगर आप इतना कर पाए तो आप रट्टा नहीं मारेंगे। 1 इज फिश, नंबर 2 इज एम्फीबिया, नंबर 3 इज रेप्टाइल्स, फिर हैं बर्ड्स और फिर है मैमल। जितने लोग भी इसकी पिक्चर बना पाएंगे, ऑल दो आता आपको सब कुछ है, मैंने कहीं भी कोई ऐसी चीज नई नहीं लिख दी कि आपको लगे अरे यार सर ने बड़ा अच्छा लिख दिया, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ वेन एवर यू आर गोइंग टू काउंट द स्पीसीज, स्पीसीज को काउंट करते करने वक्त अपने दिमाग में एक आइडिया रखिएगा। अब मैं इन स्पीसीज से डाटा लर्न करना कितना आसान बनाने वाला हूँ, देखिए कितना आसान बनने वाला है। चलिए अब आपको ये डाटा काउंट करते वक्त कैसे आसान लगेगा, चलिए यहाँ से काउंट करिए। लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं जो कि डिस्कवर्ड है, जिसमें से 70% स्पीसीज एनिमल की है, जिनमें से 22% स्पीसीज प्लांट की वो हैं जिनमें टेरिडोफाइटा नहीं है लेकिन फंजाई है। अब इन स्पीसीज को हमने 3 पार्ट में बांटा, प्लांट, एनिमल।
प्लांट को 6 भागों में बांटा, एल्गी फंजाई ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। एनिमल को 2 भाग में बांटा, इनवर्टिब्रेटा वर्टिब्रेटा, और फिर वर्टिब्रेटा को 5 भागों में बांटा, फिश एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल। एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट, हमें पहले से मालूम है एनिमल ज़्यादा हैं प्लांट से। अभी अभी बोला 70% एनिमल, तो एक बार उस डाटा की तरफ फिर से चलते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 70% एनिमल हैं, इसका मतलब 70% इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को मिला करके हैं। ध्यान से सुनो, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों को मिलाकर टोटल स्पीसीज का 70% है। लेकिन इन 70% में 70% का 70% अकेले इंसेक्ट है। हे भगवान, इसका मतलब किसकी वैल्यू ज्यादा? इनवर्टिब्रेट की। इसलिए एनिमल काउंट करते वक्त हमेशा इनवर्टिब्रेट का नंबर, हमेशा जहां पर भी डाटा मिलेगा ज्यादा ही मिलेगा वर्टिब्रेट से। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट जो है वो आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं, और आर्थ्रोपोडा के मेंबर इनवर्टिब्रेट लोग हैं। इसका मतलब 70% इंसेक्ट हैं। बोलते हैं हर 10 में से 7 इंसेक्ट इन एवरी 10 एनिमल्स, हर 10 एनिमल्स में 7 तो खाली इंसेक्ट हैं। अब मैं डाटा की तरफ फिर चलता हूं, और फील कर पाए तो आपको लर्न रहेगा, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। एनिमल नो डाउट प्लांट से ज्यादा है, अच्छा लगता है प्लांट से ज्यादा एनिमल, लेकिन ये इन एनिमल में ज्यादातर एनिमल कौन? इनवर्टिब्रेट। इसका मतलब हम श्योर नहीं है कि प्लांट से ज्यादा वर्टिब्रेट है। नो, हो सकता है वर्टिब्रेट नाम के जो एनिमल है वो प्लांट के कैलकुलेशन में कम हो। आप इस बात को ध्यान से देखें। फिर से मैंने बोला प्लांट और एनिमल में ज्यादा कौन? नो डाउट एनिमल ज्यादा, 70% एनिमल है, लेकिन एनिमल में ज्यादा कौन? इनवर्टिब्रेट। इसका मतलब वर्टिब्रेट एनिमल का नंबर टोटल स्पीसीज में क्या है? बहुत कम। इसका मतलब वर्टिब्रेट, फिश एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल, प्लांट के रेस्पेक्ट में देखे जाएं तो बहुत ज्यादा आएंगे, कम आएंगे? कम। वो एक डाटा देते हैं कि इस चक्कर में मत रहना कि एनिमल बहुत ज्यादा है। अगर हमारा अकेला फंजाई की स्पीसीज रख दी जाए, केवल फंजाई की स्पीसीज काउंट करके रख दी जाए, दीज आर ग्रेटर देन, किससे किससे ज्यादा होंगी? फिश की स्पीसीज को प्लस एम्फीबिया की स्पीसीज को जोड़ दीजिए, प्लस रेप्टाइल हटा दीजिए, बर्ड्स को जोड़ लीजिए, सॉरी रेप्टाइल को जोड़ दीजिए, रेप्टाइल्स को जोड़ दीजिए, प्लस मैमल्स को जोड़ दीजिए, बर्ड्स हटा दीजिए। अगर आप फिश एम्फीबियन रेप्टाइल्स और मैमल्स की स्पीसीज को जोड़ करके रखते हैं तब भी फंजाई ज्यादा हो जाएगा। और यह डाटा अजीब है, अगर आप रट्टा मारते हैं तो आपको कुछ अजीब नहीं लगता, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से सोचते हैं तो ये रट्टा अजीब है। क्योंकि पहले हम बोलते हैं 70% एनिमल इस दुनिया में, प्लांट से एनिमल ज्यादा है, और अभी बोल रहे प्लांट जो है एनिमल पे भारी पड़ रहा, और वो कौन सा प्लांट है? फंजाई। इसका मतलब कुछ तो डाटा है गड़बड़ है, लोचा है। यस, वो डाटा ये है कि 70% एनिमल, इन 70% एनिमल का 70% एनिमल तो इंसेक्ट है, इंसेक्ट है इसका मतलब इनवर्टिब्रेट है, इसका मतलब इनवर्टिब्रेट का नंबर बहुत ज्यादा है, और वर्टिब्रेट का नंबर जब आता है तो वो प्लांट को मैच नहीं कर पाते, नहीं मैच कर पाते। और इस तरीके से डाटा आपके सामने आता है। तो चलिए डाटा बताइए, 1.7 to 1.8 million स्पीसीज में 17 से 18 लाख स्पीसीज में लगभग 70% कौन है? एनिमल। 70% एनिमल का 70% इंसेक्ट है, बाकी हर 10 में से 7 है इंसेक्ट और 3 है बाकी एनिमल। वो 3 एनिमल में कौन लोग हैं? अदर इनवर्टिब्रेट प्लस वर्टिब्रेट। इंसेक्ट के अलावा भी इनवर्टिब्रेट बहुत है, 9 फाइला बहुत है, प्रोटोजोआ छोड़ दीजिए, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, निमेटोहेलमिंथिस, वो भी सब इनवर्टिब्रेट है, और साथ में वर्टिब्रेट, फिश एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल। तो बर्ड्स हटा करके बाकी जो वर्टिब्रेट, अगर मैं फंजाई के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करूं तो फंजाई की स्पीसीज बेटर पड़ जाएंगी, ज़्यादा पड़ जाएंगी। और देखिए अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम अच्छा बन नहीं पाएगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डायग्राम आपको एनसीईआरटी से रिफ़र करने के लिए कहता हूं। प्लीज़ पेज नंबर 260 रिफ़र करिए, और इन तीनों डायग्राम को खास करके देखिए। उन्होंने एनिमल का, एनिमल की चार्टिंग की है, एक्चुअली इन्हें हम लोग डायग्राम बोलते हैं, इन्होंने सर्कल डायग्राम बना करके बताए हैं, और बताए हैं 2 प्रकार के एनिमल्स हैं। आप ही बता दीजिए 2 प्रकार के एनिमल कौन कौन से हैं। एक हैं इनवर्टिब्रेट्स,
इनवर्टिब्रेट्स और दूसरे हैं वर्टिब्रेट्स। मुझे यकीन मानो इनवर्टिब्रेट्स भले ना बता पाओ लेकिन वर्टिब्रेट का तो काउंट कर दोगे। वर्टिब्रेट में आप काउंट करोगे तो क्या क्या आएगा, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल। और उन्होंने आधे पोर्शन पे, लगभग आधे पोर्शन पे केवल फिश को रखा है। देख लीजिए, ये टोटल एनिमल का नहीं है, वर्टिब्रेट में ज्यादातर आधा पोर्शन लगभग केवल फिश का है, मोर अबाउट 50% केवल फिशेज है। किसका 50%? टोटल एनिमल का नहीं, प्लीज। वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है, फिश। तो जब भी डाटा वर्टिब्रेट का कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी बायोम में तो आप फिश को ज्यादा ही पाएंगे। चलिए पीछे आइए, अगर इनवर्टिब्रेट ना काउंट करो, बीटल हटा दो, बीटल इज अ इनवर्टिब्रेट। तो हमने जो डाटा दिया था, एंट्स वो भी इनवर्टिब्रेट थी 20,000, ऑर्किड 20,000, आगे फिश की बात करती थी 28,000, आगे देखते जाइए। तो फिशेस हमेशा ज्यादा पड़ेंगी। इसके बाद मैं आपको एक आइडिया दूंगा, प्लीज इसे बहुत ध्यान सुनिएगा। मैमल और एम्फीबियन ऑलमोस्ट इक्वल स्पीसीज है, ऑलमोस्ट अक्सर देखने को मिलेगा। अगर मैं ये बोलूं मैमल और ये बोलूं एम्फीबियन, तो मैमल और एम्फीबियन का जो बेटा नंबर ऑफ स्पीसीज है ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। इसको मैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के कैलकुलेशन में भी प्रूव कर दूंगा। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में 427 मैमल और 427 ही एम्फीबियन, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो फिश जो है ऑलमोस्ट 50% ले गई, इसके बाद मैमल और एम्फीबिया ऑलमोस्ट इक्वल गए। फिश के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा स्पीसीज है वो है बर्ड्स की, ये याद रखिएगा। फिश के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा है बर्ड्स की, और फिर बचता है आपके पास रेप्टाइल्स। तो अगर इस ग्राफ से किसी को कुछ भी सीखना है तो ऐसे देखना है, इनवर्टिब्रेट में ये नहीं दिया है, मैं बना रहा हूं, फिश की स्पीसीज इज ग्रेटर देन बर्ड्स की, ग्रेटर देन रेप्टाइल्स की, ग्रेटर देन एम्फीबिया, और एम्फीबिया और मैमल ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है, इनकी स्पीसीज की वैरायटी ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर बच्चा ये ट्रेंड आपने पकड़ लिया तो आपको कैलकुलेशन आगे दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज दिक्कतें बहुत हैं क्योंकि कैलकुलेशन में बड़ा। अगर मैं कहीं पर भी पूछूं, बताओ, मैं एग्जाम्पल दे दूँ, एक क्वेश्चन दे दूँ आपको, उसको क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं आता, और आपसे बोलूँ कि अरेंज द नंबर ऑफ स्पीसीज, और मैं अरेंज द नंबर ऑफ स्पीसीज दूं और एक क्वेश्चन, और उसमें दिया हो फिश एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल, और मैं एक डाटा दे दूं, ऐसे आर्बिट्री डाटा दे दूं, तो जो सबसे बड़ा डाटा हो उसमें क्या लगाओगे, फिश, उससे छोटा, यस, बर्ड्स, उससे छोटा, रेप्टाइल्स, और इसके अलावा ये दोनों लगभग बराबर, तो ये आप करिएगा। नाउ इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट में क्या गया, आर्थ्रोपोडा, आपको मालूम है 70% एरिया तो भैया आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में भी इंसेक्टा को, आर्थ्रोपोडा में और भी लोग हैं लेकिन इंसेक्टा अकेले 70% एरिया ले गया। तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक बोलूं, ये जो मैं करने वाला हूं, यहां से लेकर यहां तक अगर मैं बोलूं, ये तो सबके सब इंसेक्ट ही है, और अप टू हियर, यहां से लेकर यहां तक अगर मैं देखूं तो केवल इंसेक्ट 70%। इसके बाद अदर इंसेक्ट में से मोलस्का दूसरा नंबर है, याद रखना। अगर इंसेक्टा के बाद अगर किसी दूसरे ग्रुप का नाम, वैसे तो ग्रुप का नाम लेना है तो मोलस्का है दूसरे नंबर पे। इसके अलावा क्रस्टेशिया है, क्रस्टेशिया भी आर्थ्रोपोडा के ही मेंबर होते हैं, ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है, जैसे कि क्रैब, क्रस्टेशियंस आर क्रैब, केकड़े वगैरह, ये भी आर्थ्रोपोडा का ही मेंबर है। तो देखो आर्थ्रोपोडा का कहां कहां जलवा है, इंसेक्ट भी आर्थ्रोपोडा का मेंबर, क्रस्टेशिया भी आर्थ्रोपोडा का मेंबर। और आपको ये वाला ब्लॉक सबसे ज्यादा लग रहा होगा, चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन इस बड़े चौड़े ब्लॉक की तरफ मत जाइए, इसमें अदर इनवर्टिब्रेट्स हैं। अब अदर इनवर्टिब्रेट में कोई एक ग्रुप नहीं है, अगर एक ग्रुप नहीं है तो कहां से शुरू होगा, इट इज यस पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी एलमेंथिस एंड सो ऑन, में कितनी लिस्ट बना दूं। तो अगर कभी तुमसे कोई पूछे सबसे ज्यादा कौन, तो बोलो इंसेक्ट, इंसेक्ट से थोड़ा कम कौन, मोलस्का, मोलस्का से थोड़ा कम कौन, क्रस्टेशिया। इसके बाद आपको जो ज्यादा वाला एरिया लग रहा है, इसको तो सबसे ज्यादा लग रहा, नहीं मत करो, क्योंकि इसमें कोई एक ग्रुप नहीं है, देर आर सो मैनी ग्रुप्स,
देखिए ये ग्राफ बनाऊं, मैं ये ग्राफ बनाऊं, लेकिन अगर आपने वो आइडिया नहीं भूला है जो मैंने आपको चार्ट आउट किया था, बोलो स्पीसीज कितने तरीके से लिखी जाएंगी, तीन, पहले क्या लिखेंगे, प्लांट्स, प्लांट्स में कितने लोग लिखेंगे, छः, एनिमल कितने प्रकार के लिखेंगे, दो, एक कौन, इनवर्टिब्रेट, और एक कौन, वर्टिब्रेट, और वर्टिब्रेट को कितने प्रकार से लिखेंगे, पाँच, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, और ये देखो चार्ट। इसके बाद उन्होंने आपकी बुक में प्लांट्स के बारे में बोला है, तो मैंने प्लांट यहाँ पर बताए हैं पांच ग्रुप, विटेकर वाला प्लांट है कि बेटा छः, इट इज सिक्स। और प्लांट में भी उन्होंने एक आइडिया दिया है आपको कि ऑलमोस्ट फंजाई और एंजियोस्पर्म की जो वैल्यूज हैं ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। अगर आप फंजाई और एंजियोस्पर्म में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो फंजाई और एंजियोस्पर्म की स्पीसीज की वैल्यूज जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसे। अब देखिए अपने ग्राफ से, एंजियोस्पर्म थोड़ा ज्यादा ही पड़ेगा, मैं पहले से बता दूं, एंजियोस्पर्म थोड़ा ज्यादा ही पड़ेगा, लेकिन फंजाई और एंजियोस्पर्म लगभग बराबर है। इसके बाद इन्होंने एक बड़ा ग्रुप बनाया है एल्गी का, एल्गी, एल्गी तीसरे नंबर पे आती है आफ्टर फंजाई और एंजियोस्पर्म, एल्गी तीसरे नंबर पर आती है। फिर इसके बाद आता है मॉसेस, मॉस का मतलब है ब्रायोफाइटा, एल्गी के बाद मॉसेस का नंबर आता है, मॉसेस के बाद आता है लाइकेंस, और लाइकिन के बाद आता है एलाइज, एलाइज का मतलब बाकी बचे हुए लोग, बाकी बचे हुए जितने प्लांट हैं। एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ब्रायो में मॉसेस हो गया, इसका मतलब टेरिडो यहां पर एलाइज में आएगा, जिम्नो यहां पर एलाइज में आएगा, एनजीओ अलग हो गया। चलो छह बोलो, छह के छह बोलो, चलो पहला बोलो एल्गी, एल्गी को जगह मिली, फंजाई को जगह मिली, फंजाई ऑलमोस्ट एंजियोस्पर्म के, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ब्रायो को जगह मिली मॉसेस के नाम से, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ब्रायो हो गया, टेरिडो को जगह नहीं मिली वो एलाइज में गया, जिम्नो को जगह नहीं मिली वो भी एलाइज में गया, एंजियोस्पर्म को जगह मिली। तो अगर कोई पूछे तो बताओ सबसे ज्यादा कौन, तो आप बोलोगे फंजाई और एंजियोस्पर्म ऑलमोस्ट इक्वल है। इनके डाटा घटते बढ़ते क्यों रहते हैं, क्योंकि नई एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज ढूंढी जाती रहती हैं और बहुत सारी ड्यूट्रोमाइसिटीज से एस्कोबेसिडियो में जाती रहती हैं और बहुत सारी स्पीसीज ऑफ फंजाई इंक्लूड होती रहती हैं, तो इनके डाटा वेरी करते रहते हैं। सो मैं इस डाटा में बहुत दूर तक परेशान नहीं करने वाला हूँ, आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके इस डाटा को शुरू से सीखिए, ये तो डायग्राम आपको समझ में आ जाएंगे। चलो कितनी स्पीसीज आपको ये डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, इट इज 17 to 18 लाख, दैट इज 1.7 to 1.8 million स्पीसीज। उन डिस्कवर्ड स्पीसीज का जो 70% स्पीसीज हैं वो कौन स्पीसीज हैं, 70% जो स्पीसीज हैं वो हैं इंसेक्ट, सॉरी एनिमल, टोटल स्पीसीज का एनिमल, और एनिमल का 70% कौन है, इंसेक्ट। लगभग 22% में डाटा आया था प्लांट का, और प्लांट में क्या जोड़ा था और क्या हटाया था, फंजाई ऐड किया था और ट्रेडोफाइटा हटाया था, तो 22% वो प्लांट आए थे। फिर मैंने आपको बोला था डायग्राम और इस चक्कर वाले डायग्राम से बचने के लिए पहले अपने आप को तैयार करो, तीन तरीके से डाटा लिखेंगे, प्लांट, एनिमल। प्लांट में कितने लोग लिखेंगे, छः, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। एनिमल में लिखेंगे दो, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट के बाद जब वर्टिब्रेट में लिखेंगे कितने लोग, पांच, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, और इनके ग्राफ। अगर आपको ये जो सर्कल ग्राफ है अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइज करिए। चलो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में इनवर्टिब्रेट सबसे ज्यादा कौन, इंसेक्ट। दूसरे नंबर पे कौन, मोलस्का। लर्न करिए, नंबर वन इंसेक्ट, नंबर टू मोलस्का, नंबर थ्री क्रस्टेशिया, एंड रेस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट इन एलाइज, वो अलग चले गए। नाउ वर्टिब्रेट में, वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा कौन, यस फिशेस। नंबर टू पे बर्ड्स, नंबर थ्री पे रेप्टाइल्स, नंबर फोर पर दोनों लोग चैलेंज दे रहे हैं, दीज आर कौन, एम्फीबियन एंड मैमल्स। प्लांट में आइए, प्लांट में अगर मैं छह लोगों को कंसीडर कर रहा हूँ, कितने, छह, सिक्स लोगों को कंसीडर कर रहा हूँ, इसमें फंजाई को भी कंसीडर कर रहा हूँ। अगर मैं फंजाई को हटा दूं प्लांट से, विटेकर का प्लांट किंगडम लूं, तो सबसे ज्यादा प्लांट कौन, एंजियोस्पर्म। अदरवाइज फंजाई एंजियोस्पर्म को काउंट को बराबर का टक्कर देता है। फंजाई और एंजियोस्पर्म के बाद अगर किसी की स्पीसीज सबसे ज्यादा है वो कौन है, एल्गी। एल्गी के बाद किसकी स्पीसीज आएंगी, मॉसेस, मॉसेस मतलब ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा के बाद किसकी आएंगी, लाइकेन, और रेस्ट ऑफ द प्लांट जिनमें से टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म को मैंने एक साथ रखा जिनके स्पीसीज बहुत कम है। तो ये तो थी अर्थ। नाउ व्हाट अबाउट द इंडिया, सॉरी
ये तो अर्थ में डिस्कवर्ड स्पीसीज है, सॉरी अभी छोटा सा टॉपिक है, डिस्कवर्ड स्पीसीज है। अब अगर मैं स्पीसीज की डेफिनेशन आपसे दोबारा पूछूं, थोड़ा रेस्ट करके आप मुझे बताइएगा, टाइम क्या बेटा 12 बज गया, जरा स्पीसीज की डेफिनेशन आप सही ढंग से सोचिएगा। तो आपको स्पीसीज बताते वक्त मैंने बोला था दे मस्ट बी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होना चाहिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, पहला पॉइंट। दे कैन इंटरब्रीड इन नेचर, मैंने बहुत पहले पढ़ाया था इंटरब्रीड इन नेचर, नेचर में उन्हें इंटरब्रीड करना चाहिए, इसका मतलब उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहिए स्पीसीज की डेफिनेशन में। टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, अगर मैं ऑफ स्प्रिंग्स की बात करूं तो उन्हें ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करनी चाहिए, विच मस्ट बी फर्टाइल, ये डेफिनेशन बताई थी, विच मस्ट बी फर्टाइल। और यहां पर मैं उतनी देर से स्पीसीज स्पीसीज चिल्ला रहा हूं, इसका मतलब मैं इन चार डाटा के साथ, चार वैल्यूज के साथ बात कर रहा हूं किसी भी मॉर्फोलॉजिकली ग्रुप का। अब इसमें इंटरब्रीड इन नेचर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर आप मोनेरा में पहुंचे तो मोनेरा में देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर, दैट इज नोन एज कंजुगेशन। तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होता ही नहीं है, इसलिए मोनेरा आर द ऑर्गेनिज्म, दे आर आउट ऑफ द स्पीसीज डेफिनेशन, इन्हें स्पीसीज डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। इसका मतलब मोनेरा के जितने मेंबर हैं वो हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसका मतलब बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को हम लोगों ने स्पीसीज की डेफिनेशन से, उस पर्टिकुलर डेफिनेशन से, इस वाले डेफिनेशन से अलग रख रखा है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। इसका मतलब है हम लोगों ने जो इन्वेंट्रीज बनाई है, जो IUCN का डाटा लिया है, तो बताओ IUCN के डाटा में बैक्टीरिया को जगह मिली है कि नहीं मिली है? नहीं मिली है, देयर इज अ नो प्लेस फॉर बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, और देखिए NCERT ने लिखा भी है कि मोनेरा के मेंबर, बैक्टीरिया के मेंबर स्पीसीज की क्राइटेरिया में फिट ही नहीं बैठते, क्योंकि स्पीसीज की डेफिनेशन में इंटरब्रीड इन नेचर आता है और वो इंटरब्रीड नहीं करते, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते, और इस वजह से IUCN ने के डाटा ने बैक्टीरिया को अलग रख रखा है। तब क्या करें, तो बोलते हैं अगर हम स्पीसीज की दूसरी डेफिनेशन जो इनसे अलग है, इन चार पॉइंट से अलग है, स्पीसीज की कुछ और डेफिनेशंस हैं जिनमें हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंसीडर कर लेते हैं स्पीसीज की डेफिनेशन में। पहला पॉइंट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्पीसीज डेफिनेशन में कैलकुलेट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। दूसरा, हम बायोकेमिकल नेचर को भी स्पीसीज कैलकुलेशन में लेते हैं, बायोकेमिकल नेचर को भी स्पीसीज कैलकुलेशन में ले लेते हैं। अगर हम स्पीसीज की इस वाली डेफिनेशन से जाएं, यानी दिस डेफिनेशन से नहीं बल्कि इस डेफिनेशन से जाएं, तो हम बेटा बैक्टीरिया को इंक्लूड कर पाएंगे। और अगर बैक्टीरिया को, अगर मोनेरा को हम इंक्लूड कर लें, तो मिलियंस ऑफ स्पीसीज तो केवल बेटा मोनेरा की होंगी, मिलियंस ऑफ स्पीसीज दे आर ओनली फ्रॉम बैक्टीरिया, जो कि मोनेरा से मिलेंगी। तो याद रखना, IUCN ने हम पे बड़ी दया की है, जो बैक्टीरिया की स्पीसीज को बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया, तो वो ये भी बात लिखते हैं, इसमें एक पैराग्राफ खर्च करते हैं, इन्हीं ग्राफ के नीचे, जो चक्कर वाले ग्राफ है उन्हीं के नीचे लिखते हैं कि अगर हम बायोकेमिकल नेचर को ले लें स्पीसीज डेफिनेशन में, तो मोनेरा अपने आप में एक इतना बड़ा ग्रुप हो जाएगा कि उसको कोई मैच नहीं कर पाएगा। तो दो क्वेश्चन हमारे ज़माने में पूछे जाते थे फाइलम के बता रहा हूँ, किंगडम के नहीं, बोलते थे लार्जेस्ट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इट इज लार्जेस्ट फाइलम, सॉरी लार्जेस्ट फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज प्रोटोजोआ, क्योंकि प्रोटोजोआ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड द लार्जेस्ट फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज, दैट वॉज द आर्थ्रोपोडा, आज भी आर्थ्रोपोडा स्पीसीज के बेसिस पर है। तो अगर मैं किंगडम की बात करने लगूं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज किंगडम, अभी तक फाइलम की बात कर रहे थे, तो मोनेरा किसी को भी टक्कर दे सकता है। पर मोनेरा की समस्या ये है कि वो स्पीसीज डेफिनेशन में बड़ा गड़बड़ महसूस होता है, ओरिजिनल स्पीसीज डेफिनेशन में नहीं आ पाता। तो ये पैराग्राफ पढ़ाने के बाद हमने अर्थ में क्या है, क्या हम ढूंढ सकते हैं, इसकी कहानी कर ली। अब हम इंडिया के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। चलिए इंडिया के बारे में जो जो बातें हमारे पास हैं वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले, इंडिया पूरी धरती में पूरे विश्व का लगभग 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया रखता है।
हम पूरे वर्ल्ड का लगभग 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया रखते हैं। इस तरीके से बड़े कंट्रीज़ में हमारा तीसरा या चौथा नंबर आता है। आपको मालूम है रसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया हमसे बड़े, तो ये इन कंट्रीज़ के बाद हमारा नंबर आता है ज्योग्राफिकल एरिया में। रसिया भी हमसे बड़ा माना जाता है भी, चाइना भी, और यू नो दैट ऑस्ट्रेलिया भी। उन कंट्रीज़ के बाद हमारा नंबर आता है ज्योग्राफिकल एरिया में। ज्योग्राफिकल एरिया हमारे पास 2.4% है टोटल वर्ल्ड का। पर जब हम स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारे पास पूरे वर्ल्ड की स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी का लगभग 8.1% है, 8.1%। तो हम जितना ज्योग्राफिकल एरिया रखते हैं उस हिसाब से 4 गुना ज्यादा डाइवर्सिटी रखते हैं एरिया के रेस्पेक्ट। अगर एरिया इतना ही हो तो इतनी बायोडाइवर्सिटी भी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा एरिया ज्योग्राफिकल एरिया 2.4% है टोटल वर्ल्ड का, लेकिन टोटल वर्ल्ड की स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी हम 8.1% रखते हैं। और इस तरीके से हम 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले कंट्री में, मेगा बायोडाइवर्सिटी वाली कंट्रीज में हमारा भी नाम आता है। कंट्री में हम 12 कंट्री में हैं, पहले 12 कंट्री में, और ये पोजीशन हमारी वैरी करती रहती है क्योंकि हर साल ब्राज़ील, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, इनमें भी बहुत टक्कर चलता रहता है और हम लोग भी वैरी करते रहते हैं। तो जब ये बुक लिखी गई थी उस समय पर हमारा 12वां नंबर था। और बोलते हैं इस बायोडाइवर्सिटी को फुलफिल करने के लिए लगभग 35,000 स्पीसीज प्लांट्स की। बेटा देखो अब डाटा कितना आसान हो गया, हमें दो पार्ट में बांटना है, एक प्लांट और एक एनिमल, और एनिमल को दो पार्ट में। प्लांट की लगभग 45,000 स्पीसीज डिस्कवर्ड हैं, जो हमने ढूंढ रखी है इंडिया में हैं, डिस्कवर्ड है। और लगभग डबल टू दिस अबाउट 90,000 स्पीसीज ये एनिमल की स्पीसीज हैं जो इंडिया में पाई जा रही हैं। ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास का डाटा है, इसलिए ऑलमोस्ट, जब साइंटिस्ट ने लिखा डबल तो मैंने डबल लिख दिया। लगभग 90,000 स्पीसीज एनिमल की इंडिया में प्रेजेंट है टोटल वर्ल्ड की। तो लगभग 45,000 स्पीसीज लेकर के प्लांट की हम बैठे हैं, और लगभग 90,000 स्पीसीज के आसपास स्पीसीज हम एनिमल की डिस्कवर्ड स्पीसीज लेकर बैठे हैं। और यहीं रुको, वो कहते हैं अगर रॉबर्ट मे को सही माना जाए, लो आप भूल भी गए रॉबर्ट मे ने क्या कहा था। रॉबर्ट मे ने कहा था इस दुनिया में 7 मिलियन स्पीसीज हैं, भूले नहीं होंगे, 7 मिलियन स्पीसीज हैं। और उन्होंने बोला था इस दुनिया में 22% स्पीसीज डिस्कवर्ड है, डिस्कवर्ड हैं। इसका मतलब लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड है। इसका मतलब अगर ये वाला क्राइटेरिया हम इंडिया में भी लगाएं तो इंडिया का जो 22% डिस्कवर्ड है वो कितना आया, 45,000 प्लांट का और 90,000 एनिमल का। इसका मतलब अगर येट टू डिस्कवर्ड हम पता लगाने की कोशिश करें, येट टू डिस्कवर्ड, तो अभी हमें इंडिया में बहुत सारी स्पीसीज मिलने वाली हैं। तो बोलते हैं येट टू डिस्कवर्ड में लगभग 1 लाख स्पीसीज हमें प्लांट की मिल जाएंगी, प्लांट की लगभग 1 लाख स्पीसीज हमें और मिल सकती हैं। तो इस तरीके से हम लोग 1,45,000 स्पीसीज वाले लोग हैं प्लांट की, अगर टोटल स्पीसीज हम इसको भी डिस्कवर्ड मान लें तो, अभी ये डिस्कवर्ड नहीं है। और बोलते हैं लगभग 3 लाख स्पीसीज हमें अभी एनिमल की भी मिलने वाली है। और एक छोटा सा लेकिन भयानक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वो क्वेश्चन ये है कि चलो ये तो मिल गई, इनके तो दर्शन हो गए हमको, ये तो हमने देख लिए हैं, ये प्लांट हमने देख रखे हैं, ये एनिमल हमने देख रखे, ये हमारे लिस्ट में है, ये किताबों में लिखा है इंडिया में, पर इन्हें तो हमने ढूंढा ही नहीं, और ढूंढा नहीं तो इन्हें देखा नहीं, हम सोच रहे 1 लाख और मिलेगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये स्पीसीज कहाँ है, किस बॉक्स में रखें, किस जगह पर रखें, कहाँ पर है, किस बॉक्स में छुपा के रखी है, किस जगह रखी है। नहीं बेटा, क्वेश्चन ये है कि किसी बॉक्स में नहीं है, ये हमारे जंगलों में, ये हमारी एस्चुरीज में, ये हमारे वेटलैंड्स में है, कुल मिलाकर के ये हमारी उन जगहों पे हैं जिनका नाम है इकोसिस्टम। और हम ह्यूमन होकर इन इकोसिस्टम को बर्बाद करने में लगे। आप कहेंगे फिर सोचिए, आप जंगल काटने में लगे हुए,
आप इकोसिस्टम की ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं, इकोसिस्टम को आप बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उन जंगलों में जिसमें 1,00,000 स्पीसीज प्लांट की मिलने वाली हैं, उनको आप काटे डाल रहे हो। उन ईश्वरीज उन वेटलैंड में आप घर बसाए जा रहे हो, कॉलोनी बना रहे हो, वहां पर आप होटल्स बना रहे हो। उन ईश्वरीज में उन वेटलैंड में जगहों पर जहां पर स्पीसीज रह रही वहां पर आप ह्यूमन एक्टिविटी किए जा रहे हो। इसका मतलब आप इकोसिस्टम के डिस्ट्रक्शन करने में लगे हुए। इसका मतलब है अगर तुमने इन स्पीसीज के खोजने के पहले ही अपने इकोसिस्टम बर्बाद कर डाले तो बताइए इकोसिस्टम ही बर्बाद हो गया तो क्या जो नहीं मिला वो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। एनसीईआरटी ने क्या खूबसूरत लाइन लिखी है, और उन्होंने लिखा है कि अगर हमारी नेचर एक लाइब्रेरी है, इंडिया में जो नेचर्स की लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं वो स्पीसीज हैं, लाइब्रेरी में जो बुक्स प्रेजेंट हैं वो स्पीसीज हैं, तो आप सोचिए हमारी लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें रखी हुई हैं, उन किताबों में हमने अभी केवल 22% बुक्स पढ़ी हैं, पढ़ी नहीं है माफ करिएगा 22% बुक्स के केवल टाइटल जाने हैं। टाइटल का मतलब उन बुक्स के नाम देखें कि ये एनाटॉमी की बुक है, यानी ये फिजियोलॉजी की बुक है, यानी स्पीसीज के नाम जाने, स्पीसीज को पढ़ा भी नहीं है। और बाकी स्पीसीज लगभग 78% से 80% जो बुक्स हैं, बुक्स मतलब स्पीसीज हैं, इनमें हमें टाइटल भी नहीं मालूम है। कि वो लाइब्रेरी के बारे में सोचिए कि एक लाइब्रेरी के अंदर घुसे और वहाँ पर आपको जितनी किताबें रखी उनमें से केवल 22% किताबों के नाम मालूम है, पढ़ी आपने एक भी नहीं, और 78% किताबें अभी 80% किताबें आपके टाइटल भी नहीं मालूम कि क्या है, और उस लाइब्रेरी में आपने आग लगा दी है बर्निंग कंडीशन में। अब आप कहेंगे बर्निंग का मतलब क्या है? बर्निंग इज ह्यूमन एक्टिविटीज। ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है जिससे हमारी डाइवर्सिटी डिस्ट्रक्ट हो रही। अभी ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुआ, पूरा का पूरा रेंज लैंड जल गया, यानी कितनी स्पीसीज बर्बाद हो गई जो प्रेजेंट थी और जो ढूंढी जा सकती थी। अभी उत्तराखंड में कुछ हफ्ते पहले उत्तराखंड में आग लगी, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई भी आदमी ऐसा सोच नहीं रहा। सो इंडिया के बारे में कुछ बातें, डाटा हम लोग कंप्लीट करके आज ये क्लास खत्म करते हैं। इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया 2.4% है, जो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से 8.1% टोटल बायोडाइवर्सिटी का रखता है। 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में हमारा एक नाम है, और हम इन 12 मेगा डाइवर्सिटी में होते हुए लगभग 45,000 स्पीसीज प्लांट की रखते हैं, और लगभग 90,000 स्पीसीज हमारे पास एनिमल की है। और अगर रॉबर्ट मे का क्राइटेरिया हम माने कि 22% ही स्पीसीज अभी डिस्कवर है, तो लगभग 1,00,000 स्पीसीज प्लांट की मिलने वाली है और लगभग 3,00,000 स्पीसीज अभी एनिमल की बाकी है। तो भाइयों बहनों, आप लोगों को ह्यूमन एक्टिविटीज़ उन जगह पर रोकनी पड़ेगी जहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत है। सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, पर कल की क्लास में जब भी शुरू करूँगा, ऑनेस्टली आप जितने लोग भी लाइव क्लासेस ये देख रहे हैं, ऑल दो मैं फ़ोन पे आकर के आपसे कोई बात तो कर नहीं सकता हूँ, मैं केवल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर आपने सारे डेटा एक तरफ से सुनाए तो मैं आगे बढ़ूँगा, नहीं तो मैं बार बार रिपीटेटिव मोड पे रहूँगा। आप पूरे डाटा लर्न करिएगा मैंने कौन कौन से डाटा आपको सिखाए। सो टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।